Assalamualaikum, good morning. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मजे में हैं. हमें बचपन से हमेशा से अम्मियों ने एक बात पढ़ाई है, बेटा बेटा किफायतशारी, सारा पैसा नहीं खर्च करो. नहीं बेटा, इतनी महंगी चीजें नहीं लेते, बचा के रखो, जो ईदी मिली है संभाल के रखो, मनी बॉक्स ले लो. अरे बेटा, इस तरह जमा करके चलते हैं तो ही पैसा काम आता है, बुढ़ापे में काम आएगा. और यही बता बता के हमारी अम्मियों ने, बेचारियों ने अपने ऊपर खर्चे ही नहीं किए बच्चों की शादियों के लिए. और बेडशीट जमा कर ली मेरी अम्मी ने, तो क्रॉकरी जमा कर ली, अलमारी ने क्रॉकरी जमा की हुई है. ब्लैंकेट्स, फूड फैक्ट्रीज, जो घर का सारा सामान है बस वो जमा कर लो. टॉवल्स भी, हाँ भाई टॉवल्स. और बेटा पैसे नहीं खर्च करना ज़्यादा. क्या करती थी अम्मियाँ बेटियों के लिए, फूड फैक्ट्री उठा के जमा कर ली है, जहेज का सामान पहले से थोड़े थोड़े पैसे बचा बचा के जमा करना शुरू कर दिया. और अब क्या आप सोच सकते हैं कि बच्चे की शादी तक आपकी जेब में कोई आना रहेगा? मुझे अच्छी तरह याद है, एक ज़माना ये था कि हमारे स्कूल की फ़ीस होती थी 350 रुपये. मैं इतने पुराने ज़माने से नहीं हूँ लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है. मैंने कहा 350, मतलब लाइक कुछ बहुत साल पहले की बात है, कोई 20 साल पहले की बात होगी, तो 350-600 रुपये फ़ीस भी हमने देखी है. और अब एक आम स्कूल की फ़ीस 12-13 हज़ार से कम की नहीं. ये तो सिर्फ मैं बेसिक फ़ीस की बात कर रही हूँ. आप अगर आप खर्चे गिने, अम्मा ने हमें बचपन से सिखाया पैसे जमा करो, कैसे जमा करें? आज कल तो बच्चों के लंच बॉक्स तक लिस्ट आ जाती है, फलाने दिन पिज्ज़ा, फलाने दिन ये, फलाने दिन धमाका. हाँ, हमारे ज़माने में अंडा पराठा, फ्रेंच टोस्ट, उसके अलावा कुछ हम ले जाते ही नहीं थे भाई. कभी कभार तर्स खा के कबाब पराठा मिल जाया करता था, हम वही बच्चे थे बस. फिर बच्चों की सालगिरह है तो गुडी बैग्स बनाओ, तुम्हें महंगे महंगे बड़े बड़े गुडी बैग्स बनाओ, सेलिब्रेशन करो जिस स्कूल में जाके. हमारे में क्या था, मुझे अच्छी तरह याद है, वो पाइनएप्पल केक, चार पीछे लगा दिए, चिप्स, बेकरी के चिप्स, पैटीज, समोसे, बिस्किट, बस सालगिरह हो गई, आ गई दोस्त. और मुझे अच्छी तरह याद है व्हाइट क्रीम का जो केक होता था उस पर रेड से लिखा होता था हैप्पी बर्थडे टू यू निदा. और इतने फखर से मैं कहती थी मैंने तो हर साल अपनी बर्थडे मनाई है, क्यों ना मनाती, किफायतशारी से मनाती थी. यहाँ पे देखो जरा, मेरी बेटी की पहले ही फरमाइश आ जाती है, ये थीम वाली बर्थडे होनी चाहिए. अच्छा, अब मुझे वो भी दिन याद है, अम्मी की बताई हुई चीज़ों के बाद मैं इतनी कोई कंजूस बन गई, किफायतशारी. फुटपाथ पे जो पठान भाई कपड़े बेच रहा था तो उसमें मैं 300 रुपये का जोड़ा खरीद के इतराती थी, मैंने 300 रुपये का लिया. और मैं अपने आप को अमीर समझती थी, फिर भी मैं आके दिखाती थी ये देखो मैंने फुटपाथ से जोड़ा लिया, इतना इतने का मिला, इतने का मिला. मेरी पहली नौकरी लगी तो मैं आपको सबको बताना चाहूँगी, मैंने फुटपाथ पे जो सिले सिलाए कपड़े नहीं होते वहाँ से खरीदे थे सारे कपड़े. और मुझे लग रहा था पता नहीं मैंने कितनी सारी शॉपिंग कर ली, क्योंकि अम्मी ने किफ़ायत सारी तो दिमाग में डाली हुई थी. आज कैसे करें आप किफ़ायत सारी? आपको शादी ब्याह में जा रहे हैं उसके लिए अलग जोड़ा खरीदना है, ठीक है. घर में दावत हो रही है, एक डिश से बेइज्जती हो जाएगी. आपको दावत के लिए नए मैट्स भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, और मेन्यू में 4-5 चीज़ों से कम नहीं होनी चाहिए, इज्जत खराब हो जाती है. एक ज़माना मैं आपको बता रही हूँ, 300 रुपये का सूट खरीदा और 300 रुपये दर्जी को दिए, 600 रुपये में एक क्लास 2-पीस सूट बन गया, दुपट्टा नहीं होती थी जब छोटी थी मैं. तो आज आप लॉन का सूट खरीदे और कुछ 15 से लेकर 2 हज़ार तक आप उसकी सिलाई दें दर्जी को, यार ये कहाँ की शराफत है, कैसे बचाएं? याद है मुझे वो ज़माना जब बिजली के मीटरों पे मैग्नेट चिपका दिया जाता था, खांचा करा लिया जाता था, एसी चलाओ दबा दब दबा दब दबा दब. अब तो डिजिटल बिजली के वो आ गए, क्या कहते हैं उसे, मीटर्स,
कहाँ से करें खांचे? इतना तेज भागता है, इतना तेज भागता है, कैसे बचाएं पैसे? कहाँ से बचाएं? कैसे करें किफायतशारी? सोचिए, मतलब कि अच्छी खासी शादी, जहेज सब जमा हो जाया करता था थोड़े से पैसों में, लेकिन अब उधार करने पड़ते हैं, लोन लेना पड़ता है, या प्लॉट बेचने पड़ते हैं, या घर बेचना पड़ता है, गिरवी रखवाना पड़ता है, तब जाके शादी होती है। और एक जमाना था साबुन से मुंह धो के अपने आप को हसीन तरीन से, मुझे याद है, जरा सा पाउडर लगा लिया, साबुन से मुंह धो लिया, आप खूबसूरत हो गए। अब ईद के लिए फेशियल कराने जाओ तो कितने का फेशियल होता है? 2,500, 3,000, 3,000, 4,000। तो ये तो कहीं गए नहीं ना पैसे फेशियल करा रहे, तभी तो लोग साल में एक एक दफा फेशियल करा रहे होते हैं। सोचिए कैसे बचाएं पैसे, कैसे करूंगी मैं अपनी बेटी की शादी, सोच सोच के मैं पागल हो रही हूं। तो जो जमाना आ गया उसमें कहां से किफायतशारी करें? ऐसा होता है जो कमाते हैं वो खा जाते हैं, जो कमाते हैं वो खा जाते हैं, सबके साथ यही चीज हो रही है। कमेटियां डाल डाल के खवातीन बेचारियां बेटी की शादी कर रही हैं, कमेटियां डाल डाल के लोग उम्रे पे जा रहे हैं, ऐसे गुजर रही है जिंदगी, इतनी हबड़ दबड़ जिंदगी है, क्या करें? तो मैंने सोचा एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हबड़ दबड़ की जिंदगी के साथ कुछ अकलमंदी भी हो, जैसे कि हमारे बड़ों ने समझाया है कि फायदेशारी में है अकलमंदी, तो सैलून जो जा सकते हैं भाई वो सैलून चले जाए, जो सैलून नहीं जा सकते वो घर में ही रह के अपनी खूबसूरती का ख्याल रखते। अब मैं आपको बताती हूँ, एक तो आजकल दूसरी शादी का फीवर चल चुका है, परेशान रहता दिल जिसको देखो, दूसरी शादी, दूसरी शादी, क्यों भाई? अच्छी खासी बीवी होंगी दूसरी शादी कर लेंगे, क्या है ये ट्रेंड? ट्रेंड पहली बीवी को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, हाँ वो बेचारी कमेटियां डाल डाल के गुजारा करी है, दूसरी बीवी ये क्या है यार, किसी को परेशान हो, औरतें परेशान हो गई, क्या हो गया? अच्छे खासे चाह के शादी की थी हमसे, इनको क्या हो गया? चार बच्चे पैदा करने के बाद तो सारी औरतें ऐसी हो जाती है, हमारा क्या कसूर है? इतनी औरतें कॉन्शियस हो गई जब से उन्होंने ये खबरें सुनी है दूसरी शादी की, कॉन्शियस हो गई कि हम अपने आप को फिट रखें, डाइटिंग चलने लगी हैं, कभी इतने न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन होते थे, डाइटिशन होते थे, उनकी इतनी फीसें नहीं होती थी, आजकल तो देखें जगह जगह क्लिनिक्स खोल के बैठे हैं, क्यों जा रहे हैं ना लोग उनके पास पतला होने के लिए, हमें पतला कर दें, हमें फलाना की तरह मुझे ही देख लें, मैं तो अपनी पुरानी तस्वीर देखती हूँ, अपने आपको छोड़ दिया था, फिर मैंने देखा कहीं मेरा मियाँ इधर उधर ना देखे, मैंने कहा जल्दी से अपनी फॉर्म में वापस आ जाओ, बड़ी मेहनत की मैंने और शुक्र पतली हो गई, लेकिन खैर देखने वालों को कौन रोक सकता है, हैं भाई? तो बहरहाल मैं आज अपनी प्यारी प्यारी सहेलियों की मदद करना चाहती हूँ। जो तुम लोग पकौड़े फ्राई करते हो ना, तेल गरम गरम तेल के सामने यूं झुक के पकौड़े डाल रहे होते हो ना, जिसकी भाप तुम लोगों के मुंह पे लगती है, अब गर्मी इतनी है, ऊपर से भी गर्मी नीचे से भी गर्मी, तो ये तो चेहरा झुलसेगा ना, रंग काला होगा, ईद पर क्या मुँह लेके जाओगे सबके सामने? तो मैंने कहा कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें कि जो झुलसा हुआ मुँह है वो पहले जैसा हो जाए, प्यारा प्यारा। अच्छा अब तो तुम लोग जल्दी जल्दी फ्रूट चाट काट रहे होते हैं, अफ्तारी का टाइम होने वाला है, फलाना ढमाका ये वो, जल्दी भागो, ये जूस बनाओ, ये करो, कट पड़ जाते हैं यार औरतों के हाथों पे, यहाँ कट, यहाँ कट, यहाँ कट, यहाँ कट, अच्छा लगेगा ऐसे जख्मी हाथों के साथ? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, तुम्हें क्या पता कब तुम्हारे मियाँ की नज़र तुम्हारे हाथ पे पड़ जाए, क्या पता तुम्हारे लिए कंगन लाए, काश वो कंगन पहनाए, क्या पता इस कट वाले हाथों पे पहनाएगा। फिर नंगे पैर भागती हो तुम लोग गंदे किचन में, दर्द पूरा तेल जमा होता है किचन से इधर उधर, काली एड़ियां, फटी एड़ियां, कभी सोचो रेस्ट करने के लिए बेड पे लेटी हुई हो और वो पैर नजर आ जाए, फुहड़ बने की निशानी होती है, तो उन पैरों का क्या करें? नींद माशाल्लाह किसी की पूरी होने रही है, सुबह से किचन में लगती हो तो फिर सहरी तो अफ्तारी, नींद का टाइम मिलता नहीं, फिर इबादत तो हल्की तो इतने इतने हो गए, अब
जब इतना प्रोग्राम चला रही हूँ इतने साल से, हमारा एक रिश्ता बन गया, जिम्मेदारी मेरी है ना आप लोगों को जरा बताओ कैसे भगाओ हल्के। तो आज का प्रोग्राम इसी पे बेस करता है, बजट है नहीं है फिर भी प्रोग्राम देखो, फायदा जरूर पहुंचेगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले तुम लोगों से पूछूंगी, घर में कोई करते हो ऐसी चीज कि अपने आप को प्यारा रखो? है, माइक उठाओ। कभी कभी जो है कहते हैं हल्दी से या लेमन से लेके मसाज कर लेते हैं मुंह पे, मसाज करके। किसने बताया लेमन से मसाज कर लो डायरेक्ट? टमाटर से फ्रीजर में, अभी तो ड्राई हो रही है स्किन, बस उससे कभी फायदा हो जाता है कभी नुकसान हो जाता है। और बताएं जरा आगे, ये देखें जरा गड़बड़, जो भी हम चीजें बताते हैं जो भी आपको नेट पे नजर आती है वो हर स्किन टाइप के लिए नहीं होती। उनकी स्किन देखें ड्राई है, फिर भी वो लेमन लगा रही है मुंह पे, क्या होगा जी? आप क्या करती है? कभी भी कुछ भी नहीं लगाया, कोई फेशियल वेशियल नहीं कराती? नहीं, कभी भी पार्लर भी नहीं गए, तेल वेल भी नहीं लगाती? तो मियाँ नहीं कहते जाओ जरा पार्लर तो हो क्या हो बेगम? इतना वो ही कहते रहते होंगे, चलो बच्चों को देख लो, घर देख लो, मुझे देख लो, बस घर में ही लगे रहते हैं 24 घंटे। अपने आप को क्यों नहीं देखती हो? तो इतना बचता ही नहीं जितना देखे। कुछ करो ना, इतनी टोटके बताते हैं वो लगाओ मुँह पे, क्यों छोड़ दिया अपने आप? आजकल ब्लीच भी नहीं करी, कभी भी नहीं करी, ब्लीच भी नहीं की। तो पहले पतली थी शादी से पहले? जी बहुत कमजोर थी। कितने बच्चे? मेरे 3। 3 बच्चों के बाद फिर क्या बच्चों का बच्चे भी बिरयानी खा जाती हो? है क्या करती बिरयानी? ये बोलो मुझे अच्छी नहीं लगती, ये बोला मैं अपना ख्याल नहीं रखती हूँ जी, नहीं रखती है ना। जब बहुत सारा काम करने के बाद बहुत सारी भूख लगती है, बहुत सारा खाना खा लेती। खाना बहुत कम खाती हूँ, खाने की चोर हूँ मैं। खाने की चोर हो, सही वक्त पे नहीं खाती, इसका मतलब जी है ना। मुझे गुस्सा आता है तुम लोगों पे, थोड़ा सा ख्याल रखो प्लीज अपना, बहुत जरूरी है जी। अच्छा फिर ही तो मियाँ फोन पे से कोड हटाएगा, मरना नहीं हटाएगा। ब्रेक पे जा रही हूँ, दिल दुख गया है मेरा। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने ऊपर थोड़ी तवज्जो दें, फैमिली पे, घर वालों पे, सब पे तो देती हैं, लेकिन अपने ऊपर तवज्जो दें। बजट नहीं है तो ये प्रोग्राम देखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे यहाँ रिवाज है कि ईद से पहले या फिर घर में कोई करीबी रिश्तेदार की शादी है उससे पहले ही सैलून जाया जाता है और बाकायदा एक तैयारी होती है ईद की। तो कुछ दिनों पहले ही रमज़ान से लोग जाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि नए नए ट्रीटमेंट्स कौन से आ गए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी वो पकौड़े तलते हुए स्किन जो पूरे रमज़ान झुलस गई है, हाथों पे कट्स पड़ गए हैं, पैरों पे कट्स पड़ गए हैं, बाल ख़राब हो गए, इन सबको सही करने के लिए सैलून में क्या ट्रीटमेंट्स हैं? और सैलून नहीं जा सकती इनकी तरह जो अपने पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, तो घर में ये क्या कर सकती हैं? क्या इनकी ड्राई स्किन है तो ये लिमन लगा के बैठ जाए? नहीं। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे पास यहाँ दो एक्सपर्ट्स हैं। एक है डॉक्टर उम्मे राहील हर्बलिस्ट और दूसरी है नादिया हुसैन फ्रॉम नादिया हुसैन सैलून। बिल्कुल ठीक जी नादिया, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती जाती हैं जो आपके हाँ। लिए और बेहतर रिजल्ट्स लेकर आती हैं हाँ। आज आप वो अपने सैलून में जो आप करती हैं बिल्कुल वो आपने दिखाना है। और आज हम एक आम यहाँ से आम किसी खातून को उठा के नहीं हम करवाएंगे फेशियल या ऑर्गेनिक चीज़ें, हम आपको बताएंगे कि सेलिब्रिटीज़ भी इस तरह करते हैं, कि सेलिब्रिटीज़ भी घर की चीज़ें अपने ऊपर अपने फेस पर इस्तेमाल करते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी सैलून जाके अपना ख्याल रखते हैं तब वो इतने अच्छे होते हैं, तब उनकी स्किन इतनी ग्लो कर रही होती है। आइए वेलकम करते हैं नाजिया मलिक फॉर ऑर्गेनिक और वेलकम करते हैं मारिया जाहिद फॉर नादिया हुसैन। आई एम टू मच एक्साइटेड क्योंकि वैसे तो टाइम मिलता नहीं है सैलून जाने का और मैं बहुत जाने वाली बंदी हूँ, इसलिए कि मैं थोड़ी सी लेजी हूँ, मुझसे काम नहीं होता घर में हाँ। मैं कुछ करूँ तो मैं जाती हूँ बस सैलून जाती हूँ। कैसे ख्याल रखती हूँ? सैलून जाती हूँ, रेगुलर जाती हूँ। अच्छा नाजिद तुम अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखती हो? क्योंकि मैं इतनी बिजी होती हूँ कि मुझे मेरे पास बिल्कुल सैलून जाने के लिए टाइम नहीं होता, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि घर पे जो प्रोडक्ट्स हों उनको ज़्यादातर इस्तेमाल करूँ। और मेरा वाकई मैं हर्ब्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ कि हर्बल प्रोडक्ट्स देसी टोटके। तो अभी मैं यही कह रही थी यार मुझे 3 महीने हो गए मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया, मतलब सैलून में जाकर ना,
तो क्यों ना हम स्विच कर लें. फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, अब तुम्हारा जो है ना यही वाला हर्ब्स का होगा क्योंकि तुम इसको ज्यादा पसंद करते हो. मैंने कहा हाँ ये बात है, ये तो मेरा बड़ा मतलब फेवरेट है. तो इसीलिए मैं एक रात के 10 बजे भी अगर नाजिया घर गई उस वक्त कोई सैलून खोला नहीं, आपने अपनी चीजें की और अपने फेस पे लगाई. और मैं इतना ज्यादा ख्याल रखती हूँ उस चीज का कि मेरे घर कोई आ जाए ना, जब किरण भी आई कहती हूँ माय गॉड माय, तो इतनी ज्यादा सिर्फ ऑर्गेनिक चीजें रखी हुई होती है, इवन खाने की भी ऑर्गेनिक चीजें, लगाने की भी ऑर्गेनिक. अभी यकीन मानो नाजिया, यकीन मानो तुम, मैं पता नहीं कहाँ कौन 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 सी ब्रांड्स, कितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के शैम्पू लेकर आए मेरे, क्योंकि बालों का कलर डाई कराया है तो वो फ्रिजी हो गया, आयरन वगैरह ना करो तो गुजारा नहीं. मैंने कल कोई हर्बल शैम्पू था वो इस्तेमाल, मैंने कहा देखती हूँ पुराना शैम्पू खत्म हो गया तो मेरे पास था नहीं, मैंने कहा चलो यही कर लेती हूँ जब तक लाऊं, टाइम नहीं मिल रहा था खरीदने का. यकीन मानो नादिया मेरे इतने कोई अच्छे बाल हो गए, बिल्कुल सही है. मतलब कि मैं हैरान, वाओ. मैं सीरियसली बताऊँ, मैं कभी कभार तो मेरा एक बड़ा देसी टोटका है कि जब भी कोई इचिंग होती है कुछ, मैं सिर्फ दही लगा लेती सर पे, उससे इचिंग वगैरह बिल्कुल दूर. अच्छा कभी दही के अंदर मैं अंडे की जर्दी लगा डालकर और उसमें एलोवेरा डालकर और वो लगा, इतने अच्छे अगर आप एलोवेरा अगर आप अलग से भी लगाएंगी ना किसी ऑयल में, ऑलिव ऑयल और सरसों के तेल मिक्स करके, वो इतना इफेक्टिव है, इंस्टेंट उसका रिजल्ट आता है. बिकॉज मेरे बाल भी बहुत ड्राई है और जब मैं लगाती हूँ तो मेरी जिंदगी सुकून में आ जाती है. अच्छा और फेस के लिए तो मैं दही तो नेचुरल सर पे लगाए ना, थोड़ा सा दही लेके फेस पे भी लगा लू, वो इतना अच्छा हो जाता है, रिफ्रेशिंग हो जाता है. मैं तो हमेशा प्याज लगाती हूँ सर, प्याज चाहे कितनी भी बदबू है, प्याज का पानी इसी वक्त फ्रेश निकाला, छान चुन के, वो उससे बड़ा फर्क पड़ता है. नादिया क्या करती हो? नादिया तुम सैलून चली जाती हो अपने? देर आर टाइम्स यू नो इन विच आई एम यूजिंग देसी ट्रीटमेंट्स लाइक अंडा दही तो मैंने काफ़ी किया है एंड लेकिन बालों के लिए ग्रोथ के लिए फॉर एग्जाम्पल लाइक कुछ ऐसे सीरम्स हैं कि जो आपकी बालों की ग्रोथ करते हैं तो मैं वो इस्तेमाल करती हूँ एंड वो सैलून से अवेलेबल हैं. और उसके अलावा मेरा इतना फिजीनेस का प्रॉब्लम नहीं है यू नो सो बट आई मीन कुछ ऐसी चीज़ें कि जो मैं देसी करती हूँ यू नो जनरली आई प्रिफर टू यू नो जस्ट गो टू द सैलून एंड गेट इट डन. अच्छा तो ये मतलब लाइक जब भी तुम फ्री होती हो या कुछ होता है तो तुम अपनी सर्विसेज वो कर लेती हो? हाँ लाइक मैनीपेडी हो गया, फेशियल्स भी हो गए, आई मीन इतनी सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं कि जैसे कि लेज़र हेयर रिमूवल और काफ़ी ऐसी चीज है कि जो आप आई मीन आई फील कि देसी टोटकों से उनका रिजल्ट इतना नहीं आता है यू नो सो देन आई फील दैट इट्स बेटर टू जस्ट गेट इट डन. ठीक है आइए जी शुरुआत करते हैं. सबसे पहले सारी ख्वातीन को आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जो उनका चेहरा झुलस गया है किचन के काम कर करके, गर्मी इतनी है, वही गर्मी इतनी है, उन सब चीज़ शॉपिंग पे भी निकल रही तो दोपहर में निकल जाती हैं कभी कि बाद में तो मियाँ आ जाएंगे घर में फिर उनके साथ बैठना पड़ेगा, इसलिए वो दोपहर में भी निकल रही हैं धूप में, नींद पूरी नहीं हो रही, स्किन ऑन फ्रेश अजीब हो गई है बेचारों. उसके लिए ज़रूरी है कि ये आप हमें कोई ऐसा अपना सैलून ट्रीटमेंट बताएं जो लोग आपके पास आके ले सकें, वो उनके लिए बेहतरीन है. और डॉक्टर उम्मे राहील आप कोई ऐसा घर की चीज़ बताएं, जैसे एक सामने एक औरत बैठी है इनकी स्किन ड्राई है फिर भी इन्होंने लेमन को अपने स्किन पे लग मसाज कर लिया और मुझे लग रहा है कि और ड्राई हो जल जाती है, तो ये लोगों को पता नहीं है एक्चुअली चीज़ें. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा मैं ये कहती हूँ सबसे पहले अपनी स्किन को खुद समझे, जिस तरह मैंने याद है लास्ट शो में मैंने कहा था मेरी स्किन गर्मियों में और होती है सर, अब आजकल मेरी स्किन जरा सी चेंज हो गई है, मैं बहुत ऑयलिंग नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ऑयल थोड़ा सा जो है वो आ रहा होता है, तो फिर क्या कि हल्का सा ड्राई और हल्का सा फिर मैं नॉट ऑयल कोई क्रीम ऐड करके फिर मैं उसको जो है फेस पर लगाती हूँ, कोई मास्क वगैरह बनाना होता है तो इसी तरह सर्दियों में बिल्कुल अलग. तो अपनी स्किन को आप समझें, अगर आपकी स्किन खिंच रही है, फट रही है, रिंकल्स ज्यादा आ रहे हैं तो उसको आप थोड़ा सा, जरूरी नहीं है कि जो आपके फेस पे जो चीज असर कर रही है वो मेरे फेस पे भी करे, वो आपको देसी टोटकों में एक चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो देसी हो चाहे वो आपकी प्रोडक्ट्स भी हो, जो आपको प्रोडक्ट्स नहीं सूट कर रही है ना आपको पता होता है, आपको फौरन इचिंग शुरू हो जाएगी, आपको फौरन उसके अंदर रेडनेस आ जाएगी, तो अपनी स्किन को पहले तो समझे खुद. अच्छा अब हम शुरू करते हैं. बिल्कुल ठीक है शुरुआत करते हैं, यहाँ हम नाजे से शुरू करें, डॉक्टर उम्मे राहील इस तरफ फिर हम तुम्हारी तरफ आएंगे. हम ये देसी टोटका दिखा के फिर हम तुम्हारी तरफ आएंगे सैलून में, हम क्या अवेल कर सकते हैं, तुम्हारे पास कौन से फेशियल अवेलेबल हैं, जो जो तुम बताओगी किस किस चीज के लिए. जी डॉक्टर उम्मे राहील जैसे अभी नाजिया का शुरू करें नहीं, मैं
एक एक करके कराऊंगी ताकि मैं क्लियरली बता सकूँ एक एक चीज कौन सी लग रही है क्या है जी. अच्छा डैमेज स्किन के लिए, स्किन बहुत खराब हो गई है रमजान में, पूरा महीना काम किया, स्किन डल हो रही है या ड्राई हो रही है, मेकअप बहुत लग रहा है, रफ हो रही है, जो भी है. अवतार की ट्रांसमिशन कर रही हो ना शायद, तो जाहिर है तुम रोजे रखने के बाद पर ट्रांसमिशन मेकअप ड्राइनेस हो जाती है, डिहाइड्रेट होने के साथ साथ पता है कैसे लगता है, जैसे स्किन जो है ना वो जब आप मेकअप उतारते भी है ना तो वो फेस में जो ग्लोनेस होती है ना वो खत्म हो जाती है, ग्लो नहीं रहता, रफ स्किन हो जाती है. ये आप लोग की स्किन के साथ भी हो रहा है. अब अगर सैलून नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो और टाइम है अपने लिए, निकालना पड़ेगा, तो ये आप कर सकते हैं जी. डॉक्टर उम्मे राहील क्या करेंगे? अच्छा इसके लिए हम बना रहे हैं गोल्ड फेशियल. गोल्ड फेशियल हो रहा है घर में, क्योंकि गोल्ड फेशियल सबसे पहले हम क्लेंजिंग मिल्क बनाएंगे. क्लेंजिंग मिल्क में हमने कोकोनट मिल्क लिया है और हम बनाते जाते हैं ना, ठीक है, ताकि लोगों को समझ भी आते जाए, साथ साथ बनाते जाते. हमने कोकोनट मिल्क लिया, कोकोनट मिल्क टिन्स में मिल जाता है आराम से, नहीं तो कोकोनट को थोड़ा सा पानी डाल के उसको ब्लेंड कर ले, तैयार हो जाएगा. एक बोल हमने हाफ मिनट तकरीबन 8 से 10 बादाम लिए, इसको भी 8 से 10 बादाम भिगो के रखा हुआ है. हाँ इन दोनों को ज्यादा बादाम नहीं खरीद सकते, एक पैकेट आता है छोटा सा 10 रुपए का, 15 रुपए का बादाम होता है. हाँ अच्छा इसको हमने ब्लेंड कर लेना है बिल्कुल, ये तकरीबन आपका जो है ना, ये आप जैसे हम क्लेंजिंग मिल्क बना रहे हैं, ये आपका आराम से 15-20 दिन चल जाएगा. इसे आप मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं, रोजाना क्लेंजिंग भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख लें. बादाम से अपने स्किन को करती हूँ तो बहुत अच्छा, जो मेकअप के बाद जो पिगमेंटेशन आती है वो भी इससे खत्म हो जाती है. कोकोनट भी है, बादाम और कोकोनट मिल्क डाला है, बस दो चीज़ें, दो चीज़ें ठीक है. ये क्लेंजिंग के लिए मेकअप उतारना है या आप चूल्हे के सामने से आई हैं, सेव कर लें और फिर बिल्कुल ये फ्रिज में रहेगा कितने दिन तक? हम फ्रिज में 15 दिन तक आराम, इसलिए हमने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला. अगर हम चाहें तो उसमें जिंक ऑक्साइड या आप जो है इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो ज्यादा अच्छा है. ठीक है आप बताएं करके क्यों डालें प्रिजर्वेटिव, जब फ्रिज है तो डाल दो फ्रिज में और क्या है. नहीं फिर हम अच्छा पहले हम पूरी चीजें तैयार कर लें ताकि इसका जो स्क्रब भी होगा, फिर मसाज भी होगा, फिर मास्क भी होगा, ठीक है. सारी चीजें क्लेंजिंग मिल्क हमारा ये बन गया, पूरा फेशियल का सामान बन रहा है. पहले हम बहुत आसान है. अच्छा अब हम बनाएंगे स्क्रब. स्क्रब में जो है हमने जो है जॉ या जई लेनी है, ठीक है. मैंने जॉ ले लिया. जॉ आपने कितना लिया पानी? तकरीबन 1 टेबल स्पून भिगो दिया पानी में, भिगो दिया पानी देर तक, भिगो तकरीबन 2 से 3 घंटे, ये नरम हो जाएगा. अभी टाइम कम है तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी. अच्छा इसके अंदर जो है पहले ब्लेंड कर लेती हूँ, और ब्लेंड करके इसके अंदर हम डालेंगे कॉफ़ी और ब्राउन शुगर. वो तो रह गया. हाँ नहीं मैं कॉफ़ी और ब्राउन शुगर. अच्छा ये क्यों कॉफ़ी क्यों? कॉफी डेड स्क्रब तैयार हो. हाँ स्क्रब हो रही है. बड़ा अच्छा. कॉफी और ब्राउन शुगर और जई और पानी, इन तीनों या जौ या जई. अब देखिए ये स्किन को समझती है तो इन्होंने फौरन से वो सारी हुई वाली चीज़, तुम्हारी ड्राई स्किन है. हाँ और चीनी भी जो है वो उसका काम करेगी, आपके जो है स्क्रब का एक्सफोलिएशन रिमूव करेगी. तो हमने इसको निकाला, जो हमने ये पीसा है, ठीक है. जो या जाए इसको हम लिक्विड सा बन गया, पेस्ट क्रीमी पेस्ट होगा. इसमें हम मिलाएंगे कॉफ़ी, कितनी कॉफ़ी? 1 टेबल स्पून, ठीक है. इसमें हम डालेंगे ब्राउन शुगर 1 टेबल स्पून, ठीक है. जबरदस्त. अच्छा ये बहुत माइल्ड स्क्रब बनेगा, मतलब ये नहीं कि एकदम स्किन को छीलने वाला नहीं होगा. बिल्कुल. अच्छा ये हमारा स्क्रब ऑलरेडी इतनी ड्राई स्किन होती है, पता है जब वो छीलने वाला स्क्रब बन जाए तो देखिए कितनी जल्दी चीजें रेडी हो रही, मतलब कोई इतना टाइम टेकिंग कुछ भी नहीं है, मतलब 1 घंटा प्ले निकाल सकता है बंदा. ये बना के आप रख सकते हैं. मैं डांटूंगी अगर आपने घर जाके नहीं किया ये. और सारी मेरी फेवरेट चीजें पूछूंगी अगली दफा आएंगी तो बनाएंगी. हाँ अच्छा आपसे कह रही हूँ, आपसे ग्रीन में पक्का वादा. अच्छा अभी जो हम मसाज बना रहे हैं ये बहुत जबरदस्त है. अच्छा ये हो गया स्क्रब, स्क्रब हो ये हो गया क्लेंजिंग, क्लेंजिंग हो गया. अब मसाज के लिए आप दही लेंगे या फ्रेश क्रीम? दही ज्यादा अच्छी है, ठीक है. दही के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा शहद. शहद भी बहुत अच्छा, ठीक है. और इसमें जो है हम डालेंगे 1 अदद गोल्ड पेपर, तब इसको गोल्ड फेशियल करेंगे. मसाज इसलिए गोल्ड जो है आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, जज्ब हो जाएगा और सेल्स को रिजुविनेट करेगा, फिर आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है. ये जज्ब हो जाएगा सब कुछ. इसको मिक्स कर लिया, ये आपका मसाज तैयार हो गया. दही, दही गोल्ड, गोल्ड का गोल्ड की पर है तो और क्या था? शहद, शहद ये आपका ये हो गया. अब हम मास्क बनाएंगे. हाँ मास्क के लिए जो है हमें सबसे पहले चाहिए ड्राई मिल्क, खुश्क दूध, ठीक है. कोई भी हो ये ड्राई मिल्क, कोई सा भी. अच्छा ये जो है पर्ल है, मोती
सच्चे मोती होते कहाँ से मिलते हैं? पंसारी के पास से मिलते हैं। अच्छा अच्छा, इसका जो है तकरीबन हाफ टी स्पून डालेंगे। ठीक है, और इधर मेरे पास रखा हुआ है ये सीपी है, सीपी सदफ सादिक। अच्छा। मतलब इसके अंदर से पर्ल निकलता है। सदफ सादिक, सदफ सादिक है सच्ची सीपी जिसके अंदर से पर्ल निकलता है। अच्छा। आप मोती डाल लें या ये बहुत आराम से मिल जाता है, ये आप डालेंगे 1 टीस्पून। और दोनों भी डाल सकते हैं? दोनों भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है मैंने गोल्ड पेपर जो है इसको जैसे गोल्ड की डस्ट मिल जाती है और उसके अंदर थोड़ा सा शिमर मिला के ये डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये मास्क तैयार हो गया। इसका पानी मिलाएंगे, पानी मिला के जो है सदफ सादिक पर्ल जो पिसे हुए मोती हैं, ड्राई मिल्क और इसमें जो है ये आपका शिमर और गोल्ड पेपर है। ये शिमर और गोल्ड पेपर हम कैसे उसको बोलेंगे दुकान वाले? इसके मैं बताती हूँ, जैसे गोल्ड पेपर ये है थोड़ा सा आपको शिमर मिल जाएगा, शिमर हर जगह मिल जाता है। आपने इन दोनों को मिक्स कर लिया और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पीस लेंगे, मतलब मिक्स कर लेंगे, वो मिल जाता है तैयार, उसमें मिला हुआ होता है। ठीक है, समझ आई है। अच्छा देखा, शिमर आप लेंगे, गोल्ड शिमर ले लिया आपने उससे आई शेडो से ले लिया, या आप उसके पास जाएंगे पंसारी के पास भी मिलता है शिमर। ठीक है, ये क्या है? ये पर्ल है, ये शिमर है क्या? ये शिमर है, ये मास्क है ना। अच्छा। शिमर है इसमें हम डाल रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या किया, गोल्ड पेपर मिलाना है, ये जो हमारे पास रखा है। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे और अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे बिल्कुल। अच्छा, कोई खास बात होती है इसके लिए? बिल्कुल, इसमें मैं बताती हूँ, गोल्ड जो है आपके स्किन के अंदर जज्ब हो जाता है और फिर वो काम करता है, आपके स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, रिजुविनेट भी करेगा, उसमें फर्मिंग भी आएगी और ग्लो भी करेगी। अच्छा, फर्मिंग भी आएगी। अच्छा, जब हम मास्क लगाएंगे, अभी तो हमने ये मिक्स कर लिया, जब हम मास्क लगाएंगे तरीका मैं बता दूंगी, पहले हम पेपर का मसाज करेंगे फिर मास्क लगाएंगे। सही, ठीक है, ये आपके चारों चीजें अब हम इनका शुरू कर दें। चलें, अब शुरू होता है नाजिया। ठीक है, क्लेंजिंग मिल्क है जिसमें इसका मेकअप है वो भी रिमूव हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल साथ में। ठीक, कोकोनट मिल्क और बादाम का मिक्सचर जो है वो क्लेंजिंग मिल्क है। कोकोनट भी बालों क्या कहते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। किस तरह बैठूं कि कैमरे में नजर आए? सही बैठे, सही है। ड्रोन कैमरा है हमारे पास। पहले जो है हम इससे जो कोकोनट वाला है इससे रिमूव करेंगे ना। रिमूव करेंगे, इससे मेकअप भी रिमूव हो जाएगा। आंखों का भी रिमूव कर दोगी? नहीं करना, पहला का होगा। कितना ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, ये तो गर्मियों के लिए भी बहुत अच्छा है ना। हाँ, इसको तो फ्रिज में रखो। ओह माय गॉड, दिस इज सो गुड। सिर्फ कोकोनट मिल्क है और बादाम, और बादाम बस, इतना अच्छा हाथ भी होना जरूरी है इसके लिए। और हाथ और दिल दोनों बहन। हाँ, वो दिल की अकासी होती है आपकी बॉडी। सही बात है वाकई। अच्छा, कहते हैं जब हाथ से फेशियल होता है ना, हाँ, तो उसके जो टिप्स होते हैं वो नेचुरल, जो अल्लाह ताला ने हमें कुदरती चीज दी है ना, इससे इससे आपका अच्छा, आपका अंदर जो है ना पेनिट्रेट भी अच्छा होता है, मतलब कि आपकी अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट होती है। आप मोहब्बत से करें तो वो रिजल्ट्स अच्छे, तो आपकी फेशियल करने वाली बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिलेक्ट करके फेशियल कराने जाया करें। मोहब्बत भी दे दो। पूरा मेकअप इनका साफ हो गया, बहुत मोहब्बत नहीं चाहिए भाई। ज्यादा मोहब्बत भी जो है ना वो फिर इंसान को ना कमजोर कर देती है। आंखें बंद रखना। ये इससे क्लेंजिंग करेंगे पूरे अच्छी तरीके से। हमने मेकअप उतार दिया, अब हम इनको अच्छी तरह से, मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी मुझसे कहूंगी देखो इतना प्यार दिया अब तुम फ्री में करो सारा। तो क्लेंजिंग मिल्क बना है कोकोनट मिल्क से, और कोकोनट क्रीमी मिल्क है, कोकोनट जो क्रीमी मिल्क लिया था ना आप, नहीं है तो सिर्फ कोकोनट जो है आप उसको थोड़ा सा पानी में डाल के ब्लेंड कर लो, कोकोनट मिल्क तैयार हो जाएगा। कोकोनट मिल्क और बादाम का मिक्सचर क्लेंजिंग कर रहा है, और ये क्लेंजिंग हुई इससे सारा मेकअप साफ हो गया। वो भी लाइनर भी उतार दो। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये साथ साथ हो रहे हैं ना, तो मैं जरा सा नादिया की तरफ भी हो लेती हूँ। नादिया, तुम्हारे पास सैलून में क्या ट्रीटमेंट है इसके लिए? स्किन के लिए? यस, फॉर स्किन। डीकलरेशन हुई हुई है, झुलस गई है स्किन चूल्हे के आगे खड़े होके, तुम क्या ऐसा रिकमेंड करोगी कि औरतें आए, ये अगर उनको साथ प्रॉब्लम है तो तुम्हारे सैलून पे ये वाला फेशियल ले आके?
देखो जहाँ तक स्किन की ट्रीटमेंट्स होती हैं, ठीक है, फेशियल्स जो होते हैं ना, वो आपकी जो स्किन की जो टॉप लेयर होती है उस तक ही महदूद होते हैं, ठीक है. देर आर ट्रीटमेंट्स यू नो फेशियल्स में कि जो आप एंटी एजिंग, लिफ्टिंग, फॉर्मिंग, लेकिन अगर आप रेगुलर हैं, अच्छा, आप हर ये नहीं कि साल में ईद है तो एक दफा नहीं, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, हाँ. बिल्कुल भी नहीं. 15 दिन बाद जो तुम लोग सेटिंग्स बताओगे कि भाई इतने इतने दिनों बाद आपने एटलीस्ट मंथली, एटलीस्ट भले यू नो 15 दिन में ना हो लेकिन मंथली बेसिस पे जो है वो आपको फेशियल कराना जरूरी होता है. अच्छा, तुम क्या रेकमेंड करोगी फिर भी, कौन सा फेशियल? आपकी स्किन पे डिपेंड करता है, ठीक है. सो हमारे पास वाइटनिंग भी है, एंटी एजिंग भी है, एंटी एक्नी भी है, कामिंग भी है, मतलब हर किस्म की स्किन को ट्रीट करने के लिए. वाइटनिंग पे तो क्योंकि वो तो उनकी टैन हो गई ना स्किन, उस तेल से जो गरम गरम तेल, क्योंकि नॉर्मली तो हम पकौड़े नहीं फ्राई करते, तो रमजान में फ्राई की चीजें कुछ ज्यादा होती हैं. समोसे फ्राई करें, पकौड़े करें, रोल्स करें, इस तरह की सब चीजें, तो वो डायरेक्ट इतना सारा तेल जो है उसकी हीट आती है मुंह पे. हीट और जितनी गर्मी है वो हीट वेव. लेकिन देखो जब अगर ऑयली स्किन होती है तो जरूरी नहीं कि आप जो है व्हाइटनिंग करें, आप वो जो है वो ऑयली स्किन के लिए आपको एंटी एक्ने या आपको इस किस्म का भी करना होगा ताकि ये कि आपकी जो ऑयल है वो कंट्रोल हो, ठीक है. सो हर स्किन जो है वो डिपेंड करता है कि आपको क्या फेशियल ट्रीटमेंट कराना है. अच्छा, अब फेशियल्स आर नॉट जस्ट दी ओनली ट्रीटमेंट, ठीक है. अब अगर जैसे कि रिंकल्स होती हैं बहुत ज़्यादा, अगर आपकी जो लटक जाती है स्किन, ठीक है, ठीक है, उन ऐसी ट्रीटमेंट्स के लिए फिर फर्दर इस फेशियल से बढ़कर आपको ट्रीटमेंट्स करानी, जैसे कि बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गए, थ्रेड लिफ्ट हो गया, लेकिन वो ऑफ कोर्स फेशियल में नहीं आते हैं, वो उससे ज्यादा बढ़ करते हैं ना, तो हम वहीं स्टिक करते हैं, लोग कंफ्यूज. लेकिन नहीं, देखो क्योंकि मैं लोगों को जो एक प्रॉपर एक आई वुड से गाइडेंस के साथ उनको बताना चाह रही हूँ कि एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना वो अनरियलिस्टिक ना हो. एक्सपेक्टेशंस शुड बी वेरी वेरी रियलिस्टिक कि जी हाँ ठीक है, फेशियल जो है वो ये कुछ कर सकता है और ये कुछ नहीं कर सकेगा, ठीक है. ये नहीं है कि जी फेशियल जो है वो अगर आपकी इतनी ज़्यादा स्किन जो है वो आपकी लटक गई है, फॉर एग्जाम्पल लिफ्टिंग, उससे अगर आप बहुत रेगुलर कराते हैं तो फिर आपकी स्किन फेशियल्स के साथ जो है वो थोड़ा बहुत लिफ्टिंग हो सकती है, वरना नहीं होगी, ठीक है. ठीक है. डिहाइड्रेशन होती है, एक्नी होती है. देखिए आप रमजान में पानी कम पीते हैं तो वो आपके चेहरे से पता चलना शुरू हो जाता है, ऐसी खुश जल्द होती है. तो ऐसी स्किन के लिए जो है वो आप फेशियल जरूर कर सकते हैं, यू नो उससे जो है वो काफी फर्क पड़ता है, ठीक है. अच्छा, अब हम ब्रेक के बाद जाएंगे. ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम पूछेंगे नादिया से कि कौन कौन सी चीजें हम अब करके दिखा रहे हैं मारिया के ऊपर, ठीक है. नाजिया का यहाँ पे डॉक्टर उम्मे राहील ने स्क्रब करना शुरू कर दिया है. स्क्रब के अंदर इन्होंने डाले थे कॉफी, ओटमील, ठीक है, और ब्राउन शुगर और पानी. अच्छा, एक चीज बता दो. हाँ बोलो. ये सब कराने के बाद ना भूख नहीं लगेगी क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही होगी कि आपका वैसे ही जी भर जाता है. रहिए हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हम आपको आपके फायदे की बात बता रहे हैं. जो सैलून जा सकता है तो वही देख सकता है सैलून में कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं आपको हसीन खूबसूरत बनाने के लिए. जो नहीं जा सकता वो घर में भी रहकर अपने आप को प्यारा बना सकता है थोड़ी सी मेहनत से. तो यहाँ डॉक्टर उम्मे राहील और नादिया हुसैन मौजूद हैं. अब हम ट्रीटमेंट शुरू करें मारिया के ऊपर. सैलून ट्रीटमेंट होने जा रहा है और तुम इसको कौन सा ट्रीटमेंट देने जा रही हो नादिया? हम जो है वो इसको मिक्स ऑफ एंटी एजिंग एंड जो हाइड्रेटिंग वाले जो फेशियल्स होते हैं ना वो दोनों का मिक्स करेंगे ताकि ये कि जो जाहिर है जो एंटी एजिंग है उसमें लिफ्टिंग भी होती है और जो हाइड्रेटिंग है वो यू नो डेड स्किन जो होती है और जो डल स्किन होती है उसको यू नो लाइक रिजुविनेट करती है, उसको हाइड्रेट करती है. तो अभी तो बेसिकली मारिया को जो है वो हम बस प्रिपेयर कर रहे हैं. अच्छा, मुझे चीज़ें दिखा दी जाओगी तुम, क्लेंजिंग किस चीज़ से करोगी? जब गीनो का है फेशियल. ये अभी हम गीनो का लाए हैं. बिल्कुल गीनो का लाए हैं. गीनो के पास कौन कौन सी ब्रांड्स हैं? गीनो है, वी हैव इजाबेल लॉन्क्रे एंड एलिमस. एलिमस भी बहुत अच्छा एक ब्रांड है. अच्छा. उसके भी फेशियल हम लोग करते हैं एंड सो लेकिन अभी जो है वो हम लोग गीनो का लाए हैं. सही. सो ओके, तो आप मुझे बताओ कि
इसके स्टेप्स क्या क्या हैं जो तुम फेशियल कर रही हो, उसमें क्या क्या लगाओगी, क्या क्या चीज़ें होंगी? देखो अब अगेन फेशियल एक मिनट शुरू हो जाए ना, फिर हम बात करते हैं, ठीक है ना? ठीक है. बेसिक जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द क्लेंजिंग, कि हम पहले इसका मेकअप रिमूव करके क्लेंजिंग करेंगे. उसके बाद जो डबल क्लेंजिंग होती है, ठीक है ना, मेकअप रिमूव करके फिर क्लेंजिंग एक और दफा होती है. तो बेसिक मेकअप रिमूव करके उसके बाद इसका क्लेंजिंग फिर से होगी. एंड देन वी आर गोइंग टू डू द टोनिंग, और उसके बाद स्क्रब होगा. उसके बाद फिर सिरम्स के साथ जो है वो मशीन के साथ जो है लिफ्टिंग होगी. फिर उसका मास्क लगेगा, और फिर एंड में जो है वो उसका हम गोल्ड फॉइल के साथ जो है वो इसका पूरा प्रॉपर टोनिंग का काम क्या होता है? टोनिंग क्या करती है? टोनिंग जो है वो आपके पोर्स को जो है ना वो श्रिंक करती है. और पोर्स जैसे आप मसाज कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके पोर्स खुल जाते हैं ताकि सारी डर्ट बाहर निकल आ रही होती है, तो उसको सील करने के लिए तुम टोनर लगाती हो? नहीं नहीं नहीं, टोनर जो होता है वो जब मसाज के साथ पोर्स खुलते नहीं है, मसाज के साथ तो पोर्स क्लीन हो जाते हैं, लेकिन जो जो टोनिंग होती है तभी होते होंगे ना जब वो खुलते होंगे कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, अंटिल अनलेस अगर हम हीट देते हैं तो फिर खुलते हैं पोर्स, लेकिन अगर हम हीट नहीं देते हैं, स्टीम नहीं देते हैं, तो फिर नहीं खोलेंगे. सो जो बट जो टोनर होता है वो बेसिकली आपके जो पोर्स को जो होता है ना वो श्रिंक करता है, और आपकी पूरी ओवरऑल स्किन को जो है ना वो लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक अ वन टोन काइंड ऑफ थिंग, यू नो. कि आप अच्छा अभी क्या लगा रही है नादिया? ये सिर्फ मेकअप रिमूवर. मेकअप रिमूवर है, मुझे दिखा सकती हो? ओके, मेकअप रिमूवर है. जैसे अक्सर होता है ना कि बहुत खवातीन शॉपिंग पे ये तो नॉर्मल यूज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि ये जो है वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ फेशियल्स के दौरान ही इस्तेमाल हो. यानी कि जो जो हमने घर में कोकोनट और बादाम से बनाया था जिससे क्लेंज हो सकता है, कोकोनट मिल्क और बादाम से, वो ये अब जैसे कोई बाजार में खवातीन जो है ना वो मेकअप के साथ ही पहुँच गई फेशियल कराने, तो जरूरी है ये लगा उतार के? बिल्कुल बिल्कुल. मेकअप जो है वो आपको रिमूव करना, और ख़ास तौर पे बिफोर गोइंग टू स्लीप इट्स वेरी नेसेसरी, यू नो. रात को आप अपना मेकअप उतार के जो है बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो है वो पूरा अच्छी तरीके से आप अपनी क्लेंजिंग करके और फिर आप जो है वो रात में सोएं. सही. अच्छा, कई लोगों को ना बहुत ज़्यादा दाने हो जाते हैं, तो अक्सर वो पूछ रही होती क्या करें, तो कहते सिर्फ क्लेंजिंग अच्छी कर लो ना ये दाने आपके खत्म हो जाएंगे. अब आप क्या करें, क्या लगाएं? मसाज मसाज क्रीम जो बनाई, स्क्रब हो गया, स्क्रब हो गया है, और स्क्रब के बाद जो इनके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स तो है नहीं, तो इनके हल्का सा स्क्रब किया, और उसके बाद जो मसाज क्रीम, मसाज क्रीम में गोल्ड पेपर था, दही थी और शहद. अभी तो आप मसाज कर, बस ये जितने भी गोल्ड है इसके अंदर ये सारा इनके स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगा. इतनी देर मसाज करना कि गोल्ड जो है ना रहे ना, ये सब बिल्कुल जज्ब हो. ओके बिल्कुल. उसके बाद नजर ही नहीं आएगी फिर. हाँ बिल्कुल. फिर हम मास्क, मुझे नजर नहीं आ रहा था गोल्ड भी है क्या? नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा है बस, खत्म हो रहा था, स्किन के अंदर जा रहे हैं. अच्छा, अब मारिया की हो गई जी क्लेंजिंग. नेक्स्ट मुझे दिखाएं, नेक्स्ट स्टेप प्लीज, बॉटल दे दें मुझे. बेसिक जो था ना ये इनका था, जस्ट द इनका जो हम लोगों ने मेकअप रिमूव किया है, ये जो है ये प्रॉपर क्लेंजिंग मिल्क्स हैं, ठीक है. और ये भी जो है वो बेसिकली इट इज़ जस्ट अ रिफ्रेशिंग टोनिंग, यू नो, लोशन, कि जो हम दोनों को मिला के जो है वो हम लोग अभी इनका प्रॉपर क्लेंजिंग कर रहे हैं. कि जो इनिशियल मेकअप रिमूविंग थी दैट वाज नॉट क्लेंजिंग, ठीक है. अच्छा, ये क्लेंजिंग है प्रॉपर. हाँ हाँ हाँ, दो स्टेप्स हैं, यानी कि पहले मेकअप रिमूव किया है, ऊपर से उतार के जो हार्श मेकअप होता है वो, और क्लेंजिंग जो है अब उससे और अंदर तक क्लेंज हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन ऑफ कोर्स अभी हम लोग जो है वो कोशिश यही करेंगे कि क्योंकि इन लोगों को तो खैर आदत है कि अपना टाइम लेके अच्छी तरीके से इसको करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्योंकि बेसिक स्टेप्स बता रहे हैं, सो वी डोंट हैव दैट मच टाइम. सो अभी देखें कि किस तरह ये मसाज क्लेंजिंग करें, जल्दी जल्दी जो है वो कोशिश करेंगे कि इसको जितना भी जल्दी हो सके बता सके. बिल्कुल ठीक है. आप कहाँ तक पहुँची? आपका अब आपका मास्क. अब मास्क लगाएंगे. सो मास्क में एक चीज़ दिखा दूँ, पहले हम इनको गोल्ड पेपर लगाएंगे और फिर मास्क लगाएंगे. कौन सा पेपर? गोल्ड पेपर. गोल्ड पेपर सोने के जो वर्क हैं. हाँ, सोने के वर्क पे, और या नादिया भी मतलब उस गोल्ड के ऊपर बड़ा जोर दे रहे हैं, ये क्या वजह है? गोल्ड की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ है, खासियत है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को फर्म करने के लिए, स्किन को फ्रेश करने के लिए, स्किन को ग्लोइंग करने के लिए. सही.
अच्छा वैसे मैं तो ये गोल्ड का जो फॉयल है मैं बाहर से मंगाती हूँ, बट आई डोंट नो कि अगर पाकिस्तान में अवेलेबल है, अगर प्योर है, मतलब प्योर की पहचान ये होती है, वरना पन्नी तो उतर जाएगी, प्योर जो है वो जज्ब हो जाएगा स्किन के अंदर। हाँ वो पन्नी जैसे हलवे के ऊपर लगाया उतरेगा नहीं, वो बहुत बारीक होता है। और नहीं लेकिन ये प्योर गोल्ड का यहाँ मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। तो ये कहाँ से? ज्वेलर्स के पास भी मिलता है और जो पंसारी होते हैं उनके पास भी मिलता है। मगर एक्सपेंसिव होगा ना? हाँ बिल्कुल, तकरीबन एक जो है अगर प्योर आप ले रहे हैं जो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा 2000 तक का मिल जाता है। 2000 जो एक सिंगल फॉइल? हाँ, सिंगल फॉइल सिंगल एक ही दफा इस्तेमाल होगा। अच्छा। और अगर जो थोड़ा सा मिक्सिंग वाला है वो आपको 600 तक का मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, इसमें भी क्वालिटीज हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे क्वालिटीज होती है कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है। हाँ। इसे कि जितना अच्छा होगा वो स्किन के अंदर उतना ही जल्दी पेनिट्रेट करेगा और जितना पेनिट्रेट करेगा उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। सही, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या है जो मारिया पे कर किया जा रहा है? अभी टोनिंग के बाद, टोनिंग क्लेंजिंग के बाद अब हम मेखाले, तुम टोनिंग कब की है? अभी इनको टोनिंग के साथ क्लेंजिंग की है ना, दोनों को मिला के कर दिया। अच्छा, दो बॉटल होती है टोनिंग और क्लेंजिंग दोनों, ताकि वो अंदर से गर्द निकाल ले सारी। ठीक है, आप क्या कह रहे हो नेक्स्ट? हाँ एक्सफोलिएंट, एक जो आपका जो स्क्रब टाइप होता है कि जो वो फर्दर जो है वो आपकी स्किन को पोर्स को और ज्यादा क्लीन करेगा। ठीक है ना? अच्छा, तो मतलब कि अगर अगर अंदर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स है वो पॉप आउट भी कर जाते हैं ना इससे? अगर सुपरफिशियल होते हैं, अगर छोटे छोटे तह पे होते तो वो निकल आएंगे, अगर डीप होते वो नहीं निकलते, तो फिर उनको प्रॉपर तरीके से निकालना होता है। लेकिन इससे थोड़ी मदद हो जाती है, स्किन थोड़ी नरम हो जाती है, निकालने में उनको आसानी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बेसिकली एक्सफोलिएटिंग लोशन है, इट्स लाइक अ बहुत बारीक सा स्क्रब है। ठीक है ना? तो उसके साथ जो है वो हम हल्के से दाना दाना फील आता है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ फील हो रहा है। हाँ बहुत माइल्ड सा है लेकिन। हाँ माइल्ड सा, ताकि ये कि अगर स्किन पे डिपेंडेंट होता है ना, लेकिन हमें ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम लोग मसाज भी कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमें हार्श स्क्रब इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये वही चीज़ है जो हमने डॉक्टर मेरे राहील के साथ घर पर बनाया था, वो जौ का आटा था, उसमें ब्राउन शुगर थी, बिल्कुल कॉफ़ी और कॉफ़ी थी, बस तीन चीज़ें थी। ऑब्वियसली दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, क्योंकि जो घरेलू चीज़ें हैं उनको बहुत दफ़ा करने के बाद उसका रिजल्ट आता है, लेकिन स्किन फ्रेश हो जाती है। हाँ। और एक आप दो चार दफ़ा करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक जो आपका एक प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट होता है, उसका जाहिर है वो फिर महंगा भी होता है, उस हिसाब से केमिकल्स भी उसके अंदर होते हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे देसी टोटके होते हैं जो आपको फौरी तौर से रिजल्ट देते भी हैं। हाँ जिस तरह ये दही का जो इस्तेमाल किया है ये आपको फौरी रिजल्ट देता है, और आप डे टू डे से इस्तेमाल करेंगे जस्ट लाइक क्लेंज, अगर आप देखो रोज़ क्लेंजर नहीं यूज़ करेंगे, जो आपका जो है मेडिकेटेड या आपका जो देसी नहीं है, तो वो भी आपको रोज़ ही इस्तेमाल करना है ना। तो इसी तरह ही आपके जो घरेलू टोटके वो भी आपको रोज़ ही इस्तेमाल करने हैं, ये ना सोचे कि आपको हफ्ते में एक दफ़ा करना है। हाँ कुछ ऐसी चीज़ें से अभी स्क्रबिंग है या मास्क है वो हफ्ते में एक दफ़ा है ना मेरा? बिल्कुल ऐसा ही है। सही। अच्छा ये क्या हुआ नेक्स्ट? अभी वही हम एक्सफोलिएटिंग पे हैं। ठीक है, इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ना चाहिए? हाँ बिकॉज ये भी जो है ना जेल नुमा होता है, तो ये स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा। अच्छा। सो यू नो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब होगा, उसके बाद फिर इसको रिमूव करेंगे, और इसके बाद जो है हम मेरा ख्याल है कि हाँ वैसे तो खैर अगेन यू नो हम लोग थोड़ा सा कोशिश यही होती है, क्योंकि जाहिर है जब हम ब्लैक हेड्स या जो भी होता है जब हम रिमूव करते हैं तो हमें स्किन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है, ताकि स्किन के ऊपर कोई कहीं से भी जो है वो कोई निशान ना बन जाए। ठीक है ना? तो लेकिन हम मारिया का जो है वो हम कोशिश करेंगे कि इसी के बाद जो है वो हम इसके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को जो है वो नोज से ख़ास तौर पर रिमूव करें। उसमें ऐसे कुछ सीरम्स होते हैं कि जो आपकी वाइट हेड्स को जो होते हैं ना थोड़ा सा नरम कर देते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो लगा के और फिर जो है वो उसकी हम ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव, तो वो दर्द भी कम होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जो स्टीम नहीं ले रहे, स्टीम की वजह से जैसे नादिया ने कहा कि पूरे पोर्स खुल जाते हैं, फिर दाने होते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और जब आप देखें स्किन बड़ी पक्की हो जाती है, जैसे पोर्स खुले हुए नजर आते हैं ना, स्किन आपको बड़ी अजीब ड्राई पक्की लगने लगती है, जितने पोर्स क्लोज होगी उतनी यंग आपकी एज लगेगी। या और उतनी ग्लो हम घर में भी यूज कर सकते हैं? हाँ। सीरम नहीं सॉरी एक्सफोलिएटर। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, सीरम की बात तो नहीं करी, तो मैं एक्सफोलिएटर की बात करी ना, उससे वाइट हेड्स उभर जाते हैं या
नरम हो जाते हैं। जो नरम करने वाला, हाँ नरम करने वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सफोलिएटर कहलाता है। नहीं वो इसको हाँ नहीं एक्सफोलिएंट वाला नहीं, जो उसका जो सॉफ्टनिंग जो होता है ना, जो ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड का सॉफ्टनिंग के लिए जो होता है ना, वो जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो है ना आपके पोर्स के अंदर जो गंद होता है ना, ये आसान अल्फाज में समझा रही हूँ, वो निकाल देता है। बिल्कुल। तो एक्सफोलिएट इसलिए भी जो हम मेकअप करने वाले लोग हैं ना, उनके लिए तो बे इंतहा ज़रूरी है। और वो ख़वातीन जो घर में काम करती है किचन के आगे, जिनके बहुत ज़्यादा ऑयल जमा हो जाता है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। सही। सोने की डॉल जी, सोने डॉल सोने दी। तो ये लगा के अपना वो फील करें आप फिलहाल। क्यों नहीं मारिये, तुम घर में खुद करती हो कुछ? अपना करूंगी तो मुझे उसका भी साथ करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे अकेले करने नहीं देगा। ये क्या चीज़ है? ये वो सॉफ्टनिंग लोशन है। अच्छा, ये सॉफ्टनिंग लोशन है। मारी अपना को भी चुपके चुपके देख रही है। जो सॉफ्टनिंग लोशन होता है वो सिर्फ व्हाइट हेड्स को सॉफ्टन करने के लिए सिर्फ उसी पोर्शन पे लगा रहे। अच्छा, मैंने पूरे मुंह पे नहीं लगा रहे। नहीं नहीं, जहाँ जहाँ आपके व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हैं, अगर यहाँ व्हाइट हेड ब्लैक हेड होंगे तो लगाएंगे? हाँ लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे अगर आप घर में करना चाहें तो बेकिंग पाउडर जो है वो थोड़ा सा मिक्स करके लगा लें तो वो भी उसको पॉप आउट कर देगा। अच्छा, तो अब ये जो मैं वैसे ही पूछूँ कि ये जो गोल्ड लगाया है ये अब्सॉर्ब हो जाएगा? पहले हमने मसाज कर दिया है, गोल्ड जो लगाया था उसका मसाज किया है मास्क लगाने के बाद। अच्छा, मास्क। इसे कि उसमें पर्ल भी है और जो है ना सी शेल भी है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो स्किन को टाइटनिंग भी करेगा और एकदम स्किन बिल्कुल ब्राइट और बहुत ग्लोइंग हो जाएगी। हाँ। सही। अब हम इनका जो है वो जो वाइट हेड्स हैं वो हम रिमूव कर रहे हैं बेसिकली। सही। और ये हम टूल्स के साथ ही कर रहे हैं, जैसे सबके लिए होता है। लेकिन ये सिरम जो आपने लगाया है, जो लोशन लगाया है, वो जो वाइट हेड्स के लिए, उसकी वजह से दर्द कम होगा, है ना? पर अगेन मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं इस वक्त, इतना जल्दी जो है वो हम इस स्टेज पे नहीं पहुँचते हैं। हाँ। तो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ऐसे। हाँ। ऐसे कितना टाइम लगता है? पूरे 40 मिनट्स तो लगते हैं। हाँ, इस ज़्यादा इट टेक्स लॉन्गर। या सो अगर हम जल्दी करेंगे स्किन के साथ तो ये प्रोसेस जो है ये हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, बहुत सुकून से करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जो वाइट हेड्स होते हैं वो अगर आपकी स्किन प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर सॉफ्ट नहीं है, अगर यू नो अगर आपने बिल्कुल शुरू होते के साथ ही आपने जो है ना वो वाइट हेड्स रिमूव करने शुरू कर दिए तो उसमें आपकी स्किन ब्रेक हो जाती है और इनफैक्ट उल्टा जो होगा आपके पोर्स और बढ़ खुल जाएंगे। अच्छा डॉक्टर मिराइल, सैलून में तो ये चीज़ है, औजार भी है ब्लैक हेड्स निकालने के लिए, आपकी किस चीज़ से ब्लैक हेड्स निकाल सर? बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जो है लेमन जूस, नहीं तो सिरके के साथ मिला लें, और कुछ भी नहीं तो सिर्फ पानी के साथ मिला लें। okay. और उसको आप लगा दें, थोड़ी देर बाद जो थोड़ी सी हल्की सी इचिंग सी फील होगी और उसके बाद जो हल्का सा झाग सा बनेगा और 10 मिनट के बाद उसको हल्का सा मसाज करते हुए वॉश कर लें तो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकल जाते हैं। नहीं पे सूट करता है ये? हाँ बिल्कुल सूट करता है। नहीं तो आपने कॉटन की स्ट्रिप बनाई, मतलब एक कॉटन लेके उसकी स्ट्रिप बना के उस पर एग वाइट लगाया, अंडे की सफ़ेदी लगाई जैसे इसके ऊपर, और इसके बाद जो है हल्का सा बेकिंग पाउडर डाला, उसको फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर के अंदर। जब ये थोड़ा सा बिल्कुल स्टिकी हो जाएगा उसको चिपका दिया जहाँ जहाँ पे भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं, और जब ये चिपक जाएगा उसको यूँ उतारेंगे तो वो सारे निकल के आ जाएंगे। सही। अंडे के ऊपर स्ट्रिप आपने बनाई कॉटन की रुई की, उसके ऊपर अंडे की सफ़ेदी लगाई, उसके ऊपर बेकिंग पाउडर डाल दिया ज़रा सा, और जब वो थोड़ा सा जैसे स्टिकी सा हो जाएगा, जैसे ठंडा होने लगता है, उसको निकाल के जहाँ पे जैसे ब्लैक हेयर्स है उसको चिपका दिया जहाँ जहाँ पे वो चिपक जाएगी, और उसके बाद खींच के उतार दिया तो ये ब्लैक हेयर्स को निकाल देता है और उससे पोर्स भी ओपन नहीं होते, जैसे ठंडा होता है तो वो बिल्कुल मिनिमाइज रहता है। अच्छा ठीक है, लाइट हो गई है, लाइट हो गई है। हाँ, हल्की हो। अच्छा आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब
फिर टोनिंग हो रही है. हर यू नो जो ऐसा प्रोसेस होता है जिससे आपके पोर्स को अगर हम थोड़ा सा यू नो ओपन करते हैं तो उसके बाद टोनिंग जरूरी होती है. यू नो सो फेशियल में कॉन्स्टेंटली जो है ना वो आप टोनिंग टोनिंग कर रहे होते हैं रेगुलर उस पर. सही. तो अभी इनके पोर्स क्योंकि हम लोगों ने जो एक्सट्रैक्शन की है वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की, अब उसके बाद फिर टोनिंग होगी. अब टोनिंग के बाद जो है वो इनका हम सिरम के साथ जो है वो मशीन के साथ हम इनकी लिफ्टिंग करेंगे. सही, ठीक है. हर एक को जरूरी होता है या किसी की? नहीं, बिकॉज वी आर डूइंग एंटी एजिंग. बट मशीन के साथ जो है वो आपके पोर्स क्लोज होते हैं. सो लिफ्टिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी बट पोर्स क्लोज होना इज नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी. अच्छा, और ये देखिए ना मारिया, इतनी कोई बड़ी उम्र की नहीं है. हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं अगर आप पहले से ही अभी ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे एंटी एजिंग के तो रिंकल्स आएंगे ही नहीं. रिंकल्स आ गए उसके बाद से इलाज करना जरूरी नहीं है. सही, बिल्कुल सही. फेशियल से नहीं जा सकते, उसके लिए आपको इंजेक्शंस यूज करना शुरू कर देने पड़ेंगे. अच्छा, इनसे इन मशीनों से क्या कोलेजन भी डेवलप होता है? नादिया कॉलेजन वगैरह भी डेवलप होता है जो मशीनें हैं तुम्हारी इस मशीन से? हाँ 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 बिल्कुल, बिकॉज इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी भी है, इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल माइक्रो करंट्स होते हैं वो भी हैं इसके अंदर. मतलब कि देर आर अ कपल ऑफ यू नो डिफरेंट जो इसके अंदर जो ट्रीटमेंट्स हैं प्रोसीजर्स हैं. तो हम लोग डिपेंड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हमने करना है. और एंटी एजिंग लिफ्टिंग के लिए हमें एक और डिवाइस इस्तेमाल करनी होती है, पोर्स क्लोजिंग के लिए अलग डिवाइस इस्तेमाल करनी होती है. तो इट रियली डिपेंड्स यू नो कि हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं. और ठीक है, और कितनी दफ़ा करते हैं? मतलब ये अगर आपको एज प्रोसेस अपना कम कर लेना है यार, मंथली मंथली बेसिस पे एटलीस्ट वन. अच्छा, क्योंकि यहाँ पे फेशियल हो रहा है, उसको मास्क लग चुका है. मैं कह रही हूँ कि पेडिक्योर की तरफ आ जाएं, पेडिक्योर के लिए कुछ बनाए बना लेते. अच्छा, मतलब फेस पॉलिश भी मुझे बनानी थी. फेस पॉलिश बनाऊँ या पहले पेडिक्योर कर लूँ? फेस पॉलिश बना, फेस पॉलिश बना के हम रख सकते हैं. आप इसको रेगुलर घर में यूज़ कर सकते हैं और एक दफ़ा जो बनाएंगे वो आपकी महीनों बल्कि सालों चल सकती है कि एक दफ़ा आप बहुत सारी बना लें. अच्छा, इसमें चीज़ें मैं बता देती हूँ. सबसे पहले इसमें कलौंजी चाहिए 1 टीस्पून, और इसमें अनार के फूल चाहिए. तकरीबन तमाम चीज़ें हम वज़न लेनी है. सही. मतलब जो भी चीज़ें मैं डालूँ तमाम चीज़ें हम वज़न लेंगे. हुस्ने यूसुफ, चरौंजी, ड्राई मिल्क, तकरीबन 10 चीज़ें डालते हैं. वही सदफ सादिक, सीशल, 10 चीज़ें डालें, 10 चीज़ें. और फेस पैक बनाने के ये बाकला, हाँ अब ड्राई हो रहा है ना, ये गुले बखूर, बखूर बखूर गुले बखूर है, ये तुरमस तुरमस तुरमस, और ये चावल का आटा. ये तमाम चीज़ें 10 चीज़ें आपने मिला के रख ली. इससे अच्छी फेस पॉलिश, आपकी स्किन का कोई भी मसला हो, आपको सलून नहीं जाना, ब्लीच नहीं करना, आपके स्किन ख़राब हो रही है, आपके हाथ पैर ख़राब हो रहे हैं, आप सिर्फ ये फेस पॉलिश जो है दूध में मिलाना है और दूध में मिला के इसको लगा के हल्का सा मसाज करना है और 15 मिनट के बाद हल्का सा मसाज करके उतार देना है. उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे हम सलून में जाके फेस पॉलिश करवाते हैं तो उसके बाद मैं इसको पीसती हूँ और ये बना के आप आराम से 6 महीने साल भी रख सकते हैं. ठीक है, इसकी रेसिपी एक दफ़ा रिपीट करते हैं. हम ब्रेक से वापस आते हैं तो देखते हैं कि नादिया कौन से सैलून ट्रीटमेंट्स कर रही हैं और डॉक्टर उम्मे राहिल हमें क्या बता रही हैं कि वो चीज़ अगर नहीं हम कर सकते सैलून में तो हम घर में कैसे करें. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रहिए हमारे साथ. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज आप देख रहे हैं कि हम आपको कैसे सैलून ट्रीटमेंट्स वर्सेस घरेलू ट्रीटमेंट्स दिखा रहे हैं और ये ट्रीटमेंट्स आप अपने घर में भी अपने पर आजमा सकते हैं. और अगर नहीं समझ आ रहा तो चले जाइए नादिया हुसैन के सैलून. आइए जी, हम आपको बता रहे थे कि मारिया का जो ट्रीटमेंट हो रहा है जो कि एंटी एजिंग के लिए भी है, जो कि पिंपल्स खत्म करने के लिए भी है. पिंपल्स, इसका पिंपल्स का नहीं है. अच्छा. इसका जो है वो एंटी एजिंग एंड हाइड्रेटिंग. अच्छा. जो स्किन को आपकी यू नो जो ड्राई और डल स्किन को ग्लो देने के लिए. ठीक है, ठीक है ना. ठीक है, तो अभी जो है वो हम मशीन की ट्रीटमेंट के लिए जो है वो इनका सिरम्स लगाते हैं. ठीक है, मशीन जब उस पर फेरते हैं तो आप कुछ नीचे लगाते हैं. हाँ बिल्कुल, वो चीज लगाई जाए. बिल्कुल बिल्कुल. तो अभी इनका आई का हम सिरम लगा रहे हैं तो हर एरिया के ऊपर जो है वो अलग सिरम्स लगेंगे. ठीक है, तो आई का अलग होगा,
जहाँ पे रिंकल्स का प्रॉब्लम है, आई के नीचे लाइंस खत्म होंगी. हाँ बिल्कुल. तो आई का अलग सिरम होता है, यू नो आपका ये जो चेस्ट एरिया होता है वहाँ का अलग सिरम होगा, नेक का अलग होता है, आपकी रिंकल एरिया का अलग होता है, कहीं पे पिगमेंटेशन है वहाँ पे अलग है. सो लाइक 10 यू नो किस्म के सिरम्स लगते हैं और फिर जो है वो आप गालों के लिए अलग. हाँ अलग अलग चीजें लगा रही हैं. हाँ एक ही उसमें यू नो फेशियल के दौरान ये जो भी आपकी मशीन ट्रीटमेंट से पहले जो है ये पूरा जो है ये लगेगा, और उसके बाद जो है वो हम मशीन के साथ जो है वो इनकी लिफ्टिंग करेंगे, और इनका लिफ्टिंग भी होती है और फिर जो पोर्स क्लोज करने के लिए जो है वो हम वो भी ट्रीटमेंट करेंगे. सही. वो भी मशीन के थ्रू. वो भी मशीन के थ्रू. ओके. ये पूरा और फिर उसके बाद जो है वो मास्क लगता है, फिर मसाज होता है. मतलब अभी काफ़ी ट्रीटमेंट्स होती हैं लेकिन ऑफकोर्स क्योंकि टाइम कम है तो हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं. अच्छा दादी कुछ बता सकती हो कि लाइक क्या चार्जेस, कहाँ से कहाँ तक शुरू जाते हैं चार्जेस? 5,000 to 7,000. अच्छा अगर एंटी एजिंग है और हाइड्रेशन के लिए. हाँ बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. ओके. और अब मशीन से शुरू हो जाओ. नहीं अभी सब सिरम्स ही लग अभी सिरम्स लगाएंगे पूरे फेस पे, नेक पे अलग अलग सिरम्स होंगे. फिर एक साथ. बिल्कुल. अच्छा ये एक और सिरम है. ये एक और सिरम है. ये क्या है? अलग सिरम्स हैं. ये किस लिए? अभी माथे पे तो तुम लगा चुके हो. एंटी रिंकल. पहले इनकी टैनिंग के लिए लगाया था. अच्छा पहले टैनिंग के लिए था, लाइटनिंग करने के लिए, और अब जो है ये एंटी रिंकल है. और फिर इनका यानी कि सब मिला के लगा रहे हो. लाइटनिंग वाला सिरम अलग लगाया, हाइड्रेटिंग वाला सिरम अलग लगाया, एंटी रिंकल अलग लगाया, आई का अलग लगाया, उसके बाद नेक का अलग लगेगा, और फिर इनके जो जो ये एरिया होता है ना फेशियल में. हाँ. आपकी पूरी जो है ना आई मीन फेस, फेशियल डज नॉट मीन ओनली फेस, फेशियल मीन्स योर नेक एंड योर. हाँ पूरा. तो क्योंकि जब आप कपड़े पहनते हैं या जो भी है तो जाहिर है आपकी नेक भी तो यू नो विजिबल होती है. बिल्कुल. तो हर चीज जो है वो आपकी कवर होती है इसमें. ठीक है. ठीक है ना. ये सब मशीन ये नेक का अलग और उसके बाद अब चेस्ट वाला जो एरिया है. तो मशीन से फायदा क्या होगा? आई सेड लिफ्टिंग. और नहीं नहीं मशीन में ऐसी क्या करंट है, क्या चीज है जो ये? हाँ करंट होता है. बिल्कुल बिल्कुल. इसके अंदर करंट्स होते हैं, माइक्रो करंट्स होते हैं, फिर इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी भी होती है, इसके अंदर गैल्वेनिक ट्रीटमेंट्स होती हैं. यू नो दीज आर ऑल लाइक मिक्सचर ऑफ करंट की मदद से ये सब चीजें अंदर जाएंगी. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. और इसके अंदर रेड एंड ब्लैक होता है. क्या होता है? क्या स्किन के सेल्स हिलते हैं? क्या होता है? जो करंट होता है ना थोड़ा सा इसको इस तरफ करना, ब्लड सर्कुलेशन होती है तो डेड सेल्स है वो हिलते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब कि ये स्टिमुलेशन करता है. स्टिमुलेशन जब करता है ना तो जाग जाती है स्किन. अच्छा. जैसे हम सो जाते हैं तो हमें उठाने के लिए अम्मी आती रही है, उठो स्कूल जाना है, ये अम्मी का काम कर रहा है. ठीक है. सो ये अगेन दिस करंट वरंट फील नहीं हो रहा होता. हल्का हल्का सा होता है. हाँ टिंगलिंग सी होती है जैसे कि ना टिंगलिंग सी हो रही है. इतना कुछ खास फील हल्का सा बिल्कुल. हाँ. अच्छा मुझे होता है. मैं तो इसलिए अभी कुछ पता ही नहीं है. अभी हमने जो है वो सबको पता चले. अभी हमने हल्का उसके रखा हुआ है. इसको तेज भी कर सकते हैं. अच्छा कोई ज्वेलरी अगर पहनी है तो पहनी रखे तो ज्वेलरी नहीं पहनी हुई ना ऊपर. ज्वेलरी वगैरह सब फेस की ज्वेलरी नथ वगैरह जो जो लॉन्ग पहनी होती है सब उतरवाते हैं. बुंदी वगैरह सब उतरवाते हैं तो ऐसा ना हो ना कोई क्लिप लगाया हुआ है. बिल्कुल. अच्छा सर में भी तो लोगों ने एक्सटेंशन लगाई हुई होती है क्लिप ऑन वाली? नहीं सर तक तो नहीं. सिर्फ फेस जहाँ जाइए लग रहा है. ठीक है. अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना ये एटलीस्ट 10 मिनट्स तक होता है. ठीक है. सो इट्स नॉट एज दो के यू नो ये फॉरन वाला नहीं है ये. यू नो कम से कम 10 मिनट तक जो है क्योंकि इसमें ये माइक्रो करंट्स जो होते हैं ना वो आपकी लिफ्टिंग भी कर रहे होते हैं. अच्छा वहाँ वहाँ जैसे आपके लाफ लाइंस पड़ जाती हैं उधर उधर छेड़ रही हैं ये जहाँ जहाँ ये मतलब लाइक हमें लिफ्टिंग करनी है ना तो हमें लिफ्टिंग अपवर्ड करनी है. तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही जो है वो उसको हमने जो ये जो प्रोब्स हैं इनको अपवर्ड डायरेक्शन में ही इनको हमने लेके जाना है इसको. हाय अल्लाह तुम्हें देख के मुझे नींद आ रही है मारिया. कितने तुम लोग ऐश में हो आज. तुम लोग मेरा काम क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम लोगों का काम करता. मजा आ रहा है. थैंक यू निदा. अब तो ट्रांसमिशन बहुत अच्छी होने वाली है ना. और अच्छी और अच्छी हो जाएगी. अच्छा अब आपने क्या किया था? जो मास्क लगाया था वो रिमूव कर दिया. रिमूव करके इनको जो है हम कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जैसे अभी मैं इनको लगाऊंगी विटामिन ई ऑयल. नहीं अभी आपने कहा था मैं फेस पॉलिश लगा रही हूँ. नहीं फेस पॉलिश इनको नहीं लगानी. सिर्फ एक बनाई है कि इसको कोई भी इस्तेमाल. कैसे बनाई थी अपने फेस पॉलिश? फेस पॉलिश में 10 चीज़ें डाली हैं. इसमें जो है कलौंजी है, अनार के फूल हैं,
ठीक है, इसमें हुस्ने यूसुफ है, चरौंजी, ड्राई मिल्क, सदा सादिक, बाकला, गुले बखूर, तुरमस और चावल का आटा। एक हाथ चीज कोई पलने पड़ी होगी मेरे, बाकी तो सब भाई रिकॉर्ड कर। आप खुद पढ़ लें वो, मतलब खुद देखें। ये क्या है कलौंजी? ये क्या है? अनार के फूल। हाँ, और ये क्या है? हुस्ने यूसुफ। हुस्ने यूसुफ। चरौंजी। चरौंजी। ये क्या है? ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क। ये सदफ सादिक। सदफ सादिक। बाकला। बाकला। गुले बखूर। गुले बखूर। तुरमस। तुरमस। चावल का आटा। चावल का आटा। बहन पल्ले पड़ा तुम्हारे, लिख लेंगे वो लोग। अच्छा, इन सबको पीस दिया? बस पीस के ये देखें, पाउडर बना लिया। पाउडर बना लिया। अब इसको जब भी आपने लगाना है, अब चाहें तो उनको आप दे दीजिए। आप इसको लेके थोड़ा सा जो है, जैसे आपने इसमें निकाला और इसके साथ दूध के साथ, ओ बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे। दूध के साथ इसको मिलेंगे। मैं उनको दे आऊँ? सबको दे दी, बिल्कुल। इसको थोड़ा सा भिगो लें और इसको मसाज करना है, मसाज करके वॉश कर लें। चलो जी, मसाइल हल। खबरदार जो तुमने अपना ख्याल नहीं रखा, पिटाई लगाऊंगी तुम्हारी। ये लगाना, चमक जाना। ओके जी, वहाँ मशीनों का तुम ऐश करो तुम जब तक। अब हम आगे मैनी पैडी की तरफ। अच्छा, मैनी पैडी में जो है जैसे डिफरेंट चीज़ें होती है, एक बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है। अब घर में जब कर रहे हैं उसके पास इतना टाइम नहीं कि सब कुछ भी, बिल्कुल। तो हम एक ऐसी क्रीम बनाएंगे जो सिर्फ अपने लगा के मसाज करना भी, नाजिया के हाथों पे भी करेंगे। सही है। और वो आपका पूरा कंप्लीट मैनी पैडी हो जाएगा। वो कैसे करेंगे? अच्छा, इसमें जो है, अच्छा उसमें वो रिलैक्सिंग भी होगा कि आपको रिलैक्स भी करेगा, आपके पूरे दिन की थकन भी उतार देगा। अगर पैरों में सॉइलिंग है तो वो भी खींच के निकाल देगा और सुकून आ जाएगा। इसमें हमने लेवेंडर ये फूल लिए, लेवेंडर के फूल हैं, केसू के फूल हैं, और ये बादाम है, पीली सरसों है और नमक। इन और पीली सरसों, जाफरान, बादाम, नमक, नमक, लेवेंडर, लेवेंडर, और ये अपना केसू। केसू इन सबको हमने पहले पीसना है, ठीक है। पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद इसको जो है हम दही में मिक्स करेंगे या बलाई में। दही में। हाँ, पाउडर बना के रख लेंगे। रोजाना आपने थोड़ा सा बलाई या दही में मिक्स किया और मसाज किया 10 मिनट तक, मतलब हल्का सा मसाज करते रहे, बहुत अच्छी तरह से मसाज, नकल्स वगैरह अच्छी तरह से मसाज करके, और फिर इसको वॉश करके आपने विटामिन ई ऑयल लगा लिया, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा ली, दैट्स इट। सही है। लिफ्टिंग एंड फर्मिंग। ये क्या चीज़ है, कौन सी मशीन है ये? ये इसी का ही हिस्सा है। ये अच्छा। इसके अंदर भी जो है वो लाइक ये गैल्वेनिक है बेसिकली, ठीक है। मतलब इसके डिफरेंट जो मोड्स हैं ये वो हैं, यू नो। तो इसके अंदर अब हम, पहले हमने करंट वाला किया, अब ये भी एक काइंड ऑफ अ करंट है, लेकिन अब ये इसका, दिस इज ऑल्सो फर्दर लिफ्टिंग। अच्छा, मतलब कि ये करंट है लेकिन अलग तरीके की। हाँ, अलग फ्रिक्वेंसी का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये और फर्दर ज्यादा लिफ्टिंग करता है ये। अच्छा, ये ज्यादा करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। तो ये एंटी एजिंग में खास तौर पे ये बहुत इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल। और इसके अंदर, क्योंकि अभी जैसे मारिया को हम लोग कर रहे थे तो इसको फील हो रहा था कि ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो अब अगर स्ट्रांग होता है ना तो हम इसके अंदर लिटरली हम कट्स भी बना सकते हैं। या लाइक यू नो, जो जो प्रॉपर कॉन्टोर के जो कट्स होते हैं हम वो भी बना सकते हैं, यू नो। तो ये बहुत अच्छी तरीके से लिफ्टिंग करता है, लेकिन ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू नो लाइक इट इज़ स्ट्रॉन्ग, तो ये आपको फील होता है यू नो कि कुछ लग रहा है फेस के ऊपर। हाँ, लेकिन ऐसा करंट नहीं होता कि उछल के आप बिस्तर से नीचे गिर जाएं। नहीं नहीं नहीं, ये बेयरेबल करंट होता है। मज़ा आता है मुझे तो, बिल्कुल। हाँ, सो ये अब हम जो है वो इनकी जो चीक बोन के लिए जो जो मैं कही थी ना, जो कंटूर वाला जो एक चीज होती है वो हम कर रहे हैं। अच्छा दादी, तुम्हारे पास क्या सामान है मिनी पैडी के लिए, जो वो हाथ और पैरों के लिए, वो क्या तुम लोग सामान यूज करते हो, कौन कौन सी ब्रांड है तुम्हारे सैलून में? हम लोग जो है वो अगेन हमारे पास ओपीआई है, हमारे पास एलिमिस का है, डर्मोलॉजिका का है, एंड आई थिंक अभी जो है वो हम लोग ओपीआई CND का हम लोग स्पा मैनी एंड पेडी लाए। तुम लोग क्या करते, कौन सा, किसका लाए हो? CND। अच्छा, तो CND जो है वो अमेरिकन ब्रांड है? CND अमेरिकन ब्रांड है, एग्जैक्टली। क्योंकि जो CND है, जो एक्रिलिक नेल्स जो करते हैं उनकी, मतलब वो दे ओनली डील विथ हैंड्स एंड फीट।
तो वो जो प्रोडक्ट है जो सी एन डी का है तो वो वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड इन हैंड्स एंड फीट. तो जिस तरह ओपीआई है फॉर एग्जांपल, तो ओपीआई की बहन इज सी एन डी. अच्छा, ठीक है ना. तो दोनों दोनों बराबर बराबर हैं. तो हाँ हाँ, अगेन अगर आप लोगों को पता नहीं कितना नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन अगेन यू नो लाइक दिस रिक्वायर्स अ बिट ऑफ टाइम. बताओ क्या किस तरह आईब्रो लिफ्टिंग भी की है. आईब्रो लिफ्टिंग, आई डोंट नो अगर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा. अब आईब्रो लिफ्ट हुई भी नजर आ रही है. आप देख सकते हैं कि कैसी लिफ्टिंग हुई है. ये राउंड हुई है, ये ऊपर हुई हुई है. वाओ, एक साइड पे किया है. कितना अच्छा लगता है ये, कितना अर्सा रहेगा. देख अगर रेगुलर बेसिस पे कराते रहते हो तो फिर ये रहता है इसका. मैं इसी जैसे मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास दादी. लाइक मंथली बेसिस पे एक कराना जरूरी है. अच्छा, ठीक है. तो फिर ये कि इसके रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं. ओह यस, वेरी नाइस. इनके जाहिर है ये, आई मीन लगता है कि ये मैजिक वांड है, लेकिन मैजिक वांड है नहीं. यू नो आपको रेगुलरिटी के साथ, मेंटेनेंस के साथ ये ट्रीटमेंट्स करानी होती है. ठीक है, नाजिया का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया है. फ्रेश लग रही है और ये रिजल्ट जो है जैसे एक दो चार घंटे के बाद और इम्प्रूव होगा और स्किन फ्रेश होती रहेगी. शुगर रिएक्शन होने के कोई चांसेस नहीं, क्योंकि सब घरेलू चीजें, तो कोई रिएक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. वो वाली चीज है, बस वो थोड़ा काजल फैला हुआ है वो आपको नजर आ रहा है. नाजिया का मैनी पैडी हो रहा है. वो जो आपने बनाया ये जो हमने एक पाउडर बना लिया है, मतलब इसका सफू बना लिया है, छह चीजों को मिक्स करके. लेवेंडर, नमक, जाफरान, बादाम, सरसों और ये टेसू. इन सब का पीस लिया. मैं बहुत ऊंचा नहीं कर सकूंगी, बात तो सही है. मैं भी बहुत है ना. अच्छा, इसको जो है हमने क्या किया, इसको अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत रफ है, तो हम बादाम के तेल में या उसको जो है जुजुब ऑयल में मिला सकते हैं. नहीं तो हम इस पर जैसे दही में मिला रहे हैं. सही, दही लिए थोड़ा सा. अच्छा, ये पाउडर जब आपने करना है, आपने थोड़ा सा मिक्स किया, बस इस तरह से क्रीम बन गई है. ठीक है. अच्छा, थोड़ा सा बनाएंगे जितना आपने किसमें दही में मिलाया. दही में मिलाया, ठीक है. और इसको अच्छा मिक्स किया आपने, और इसका मसाज होगा. दही तो वैसे ही स्किन के लिए इतनी अच्छी है. दही में अच्छा, पाउडर भी मिल गया और सारी थकन, नमक है इसमें, टेसू और लेवेंडर, ये सारी थकन भी उतार देंगे. अच्छा, अब तुम क्या लगा रहे हो इसको, मसाज? नहीं मास्क. अब मास्क तो खैर लगना चाहिए, लेकिन अब मास्क का टाइम नहीं है, क्योंकि मास्क लगता है कम से कम 15 मिनट. इसमें दो स्टेप और बाकी हैं इसका, इस चीज के बाद फिर मसाज होना था. मास्क और फिर मसाज. अच्छा, मास्क के बाद भी मसाज करती हूँ? हाँ, मेरा तो नहीं होता, इसलिए मैं परेशान हो रही हूँ. जैसे अभी हम लोग फेशियल कर चुके हैं, मसाज हमने नहीं किया, मसाज का टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग इस पर मास्क लगाएंगे, लेकिन वो सिरम के साथ लगाएंगे, गोल्ड मास्क बना के. तो इनके फेस पे जैसे लगाएंगे, मजीद और इनके फेस पे ग्लो आ, क्योंकि एंटी एजिंग हमने किया है ना, इस वजह से. नहीं, लेकिन वो क्या, वो पूछ रही है कि मास्क लगाने से पहले ही मसाज होता है ना. जी हाँ. तो हम सेकेंड स्टेप मसाज होगा इसके बाद. जी. और मसाज के बाद मास्क होगा, ये क्या. हाँ, लेकिन हम जो है वो जो दो किस्म के मास्क होते हैं, एक मास्क होता है कि जो इनकी स्किन टाइप के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो एंटी एजिंग हो, चाहे वो यू नो रिंकल्स के लिए हो, चाहे वो एक्ने के लिए हो, चाहे वो हाइड्रेटिंग हो. ठीक है, वो अलग अलग मास्क होते हैं. वो एक मास्क अलग चीज़ है. हाँ. वो भी लगता है, लेकिन हम ये दो चीज़ें बीच में नहीं कर रहे हैं. एक जो मसाज है और मास्क नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ इनका गोल्ड जो फॉइल है वो हम स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देंगे. दैट इज लाइक अ गोल्ड फेशियल. ठीक है, जो गोल्ड फेशियल होता है ना, वो किसी भी फेशियल के साथ एडिशनल उसका एक यू नो हम चार्ज करते हैं, और फिर वो एडिशनल एक चीज हो जाती है. ठीक है, समझ गए. इतना तो मजा आ रहा है. हाँ यार, ये ऐसे लग रहा है कि आपकी स्किन के, आप कितनी बेचारी, इतने से ज्यादा तरसी हुई थी स्किन, उसको जो है ना, उसको कुछ फ्रेश रिफ्रेश नहीं चाहिए. इट्स नॉट ओनली अबाउट योर फेस, अबाउट योर फीट, आपके हाथ, आपके पाँव, हर चीज़ का ख्याल रखना. अच्छा, अगर कोई खुद करे नाजिया, तुम अपने बताओ जरा करके, खुद अगर करो. आप देखिए डॉक्टर मेरे लिए सही करी है ऐसे. अपने हाथों में जैसे करते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, उसको लगाते हैं हल्का, एक एक उंगली का मसाज करें. ओके, प्रॉपर, मतलब अपने हाथ से ही करना चाहिए घर में. अच्छा, अपने कभी कभार ऐसा भी होता है ना, इंसान बहुत थका हुआ होता है. मैं सीरियसली सबको मशवरा दूं कि अपने हाथों को भी आप दबाएं, खुद अपने आप को प्यार करें.
अपने पाँव को भी आप दबाएं, अपनी टांगों को भी दबाएं. ये एक तरीका, हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब जाएंगे हम मसाज के लिए, कब कोई मासी आए तो हमारे पाँव दबाएं. नहीं, अपने आप को खुद भी आप दबाया करें. सही. अपने हाथ अच्छा, ओवर नादिया, ये हम जो है उनका गोल्ड जो फॉइल है उसका हम मसाज करने हैं इन टू द स्किन. ठीक है, तो अभी हमने एक सीरम लगा दिया है. अच्छा, ये वही फॉइल है जो तुम देखते हो बाहर से मिलती है? हाँ हाँ हाँ, मैंने एटलीस्ट बाहर से मंगाया है. ये आप देखेंगे कि ये इसको मसाज जब हम करेंगे ना, हाँ. तो स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा पूरा. ओके. और ये भी इतनी एक्सपेंसिव होती है? हाँ, हम लोग इसके एडिशनल कॉस्ट होती है. फेशियल के बाद अगर आप गोल्ड फॉइल का ये ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो इसकी एडिशनल कॉस्ट होती है फेशियल के बाद. ठीक है, और तकरीबन वो कितनी होती होगी नादिया? यार मुझे भूल गया कितनी होती है. हाँ, इसकी कॉस्ट गोल्ड फॉइल की एक्स्ट्रा 1000. अच्छा, हाँ हाँ. मतलब लाइक कोई भी फेशियल कराएं, हाँ. लेकिन एडिशनल आपने अगर ये गोल्ड मास्क लगवाना है तो उसकी 1000 एक्स्ट्रा फीस होती है. यस, ये चमक के जाइए आज हमारी, हाँ, मारिया और नाजिया. हाँ. ये गोल्ड मतलब ऐसा है कि ये फॉरन एडजस्ट हो जाएगा, यू नो. ओके, हम डायरेक्टली जो है वो सिरम. सो आई मीन वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग एल्स, वी ओनली यूजिंग प्योरली जो गोल्ड फॉइल है उसको सिरम के साथ सिर्फ स्किन के अंदर मसाज करके एंड दैट्स इट, इट्स डन. सो गोल्ड जो है वो आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा एंड बस. जबरदस्त. इसको बाद में रिमूव नहीं करना है, इसको क्लीन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. हम ब्रेक पे जा रहे हैं क्या? ब्रेक का टाइम आ गया, हमारा फेशियल अभी ख़त्म नहीं हुए, लेकिन हम शुक्र है आगे बढ़े. थोड़ा हाथों के बारे में बता दिया, पेडी के पैरों के बारे में बताना बड़ा ज़रूरी है यार. ऐसा नहीं होना चाहिए ऊपर से थोपली और नीचे से मोर जैसी हो. नहीं, मोरनी जैसी, सॉरी, मोरनी जैसी. एक छोटे सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए कि आप अपना ख्याल कैसे कैसे रख सकते हैं. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. बस अब मैं बहुत जल गई हूँ मारिया. नाजिया बस करो, तुम दोनों होस्टिंग करो आप और मैं अब सर्विसेज लूंगी. मुझे जलन हो रही है. ये क्या बात, देखे जरा ये. मैं एक बात बोलूं कि बाकी लड़कियों का अपना, अब देखो मेकअप नहीं हुआ हुआ, हाँ. स्क्रीन पे भी देख ले, मतलब इतना आपको जो है फर्क वो हो रहा लग रहा है. तो छोटी बहन आ गई है ना आप, बल्कि अच्छा महसूस. मारिया और नाजिया छोटी छोटी बहनें आ गई है ना. मारिया भी इसकी स्किन इतनी अच्छी लग रही है. यू लुक लाइक सो रिफ्रेशिंग. और छोटा वही वाला बात, सोने की लग रही है. सोने, हाँ, सोने. इतनी लाइट स्किन हो रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है. मैं अपना केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट के लिए. अच्छा, इसके बालों पे लगाएंगी? हाँ, बालों पे. बहन तुझे सावर पे ना लगे. नहीं नहीं, मैं किसी और के लगा दी. हाँ, वो क्योंकि उसको ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन में जाना है और अभी टाइम नहीं है. अच्छा, केराटिन में क्या होगा? केराटिन में होगा बाल भी अगर बहुत रफ हो गए हैं, फ्रिजी हो गए, जैसे हो जाते हैं नॉर्मली, या बहुत खराब हो रहे हैं, उनका रंग खराब हो रहा है, उसके लिए इससे बाल स्मूथ. क्या आम है, पपीता है? पपीता. पपीते को क्या करेंगे? मैश करेंगे पपीते को, उसके अंदर दूसरी चीजें डालेंगे. इसमें हम क्या चीजें? अलसी को पका के उसका पानी डालेंगे. अलसी को पका के उसका पहले पानी. अलसी पक रही है, उसको गाढ़ा गाढ़ा पानी, जेल बन जाता है, वो जेल डालेंगे. इसके बाद इसमें हम डालेंगे देसी घी. अरे बाप रे. और इसमें हम डालेंगे फिश ऑयल और स्नेक ऑयल. फिश ऑयल और स्नेक ऑयल, जी, सांप का तेल. अच्छा, उसके बाद क्या होगा जब आप लगाएं? सांप की तरह जुल्फे हो जाएंगे आपके बाल, इससे स्मूथ भी हो जाएंगे और इससे बाल बड़ी अच्छी हो जाएगी. देखो ना, सांप यूं होता है लहराती हुई, लहराती हुई, और इससे बाल लंबे भी होते हैं, बाल स्मूथ भी होते हैं और बाल हेल्दी हो जाते हैं. तो ये हम लगाएंगे, हफ्ते में एक दफा लगाना है बस. को लगा के आधे घंटे छोड़ना है, आधे घंटे के बाद आपने शैम्पू कर लेना. ठीक है, चलो चलो मारिया. होते नहीं देसी, मेरी बारी है पेडी की. हम नादिया हुसैन के सैलून, वैसे तो मुझे जाना हुआ नहीं लेकिन मैं यहीं महसूस. कौन सा, मेरे बहुत पैर ड्राई है, मेरी गर्मियों में भी पैर एड़ियाँ ड्राई हो जाती है. मैं नंगे पैर घर में भागती हूँ और वजू होता है तो जाहिर है उसकी वजह से भी क्रीम नहीं लगाती हूँ, सुस्ती करती हूँ, तो मेरे इंतहा से ज़्यादा ड्राई पैर हैं और एड़ियाँ फटी हुई होती हैं. 5 दिन बाद भी पेडिक्योर कराती हूँ फिर वैसे हो जाते हैं. हालांकि बहुत कोशिश करती हूँ चप्पल पहन के फिरूँ, लेकिन वो एड़ियाँ हैं मेरी ऐसी. क्या करें,
लेकिन इसमें जो वैसलीन होती है ना उसको अगर लगा के रात में सॉक्स पहन लो तो कौन करे ये काम, क्यों यासिर कर दे तो ठीक है, मैं तो नहीं करती। मैं तो अपने मियां से कभी कभी करा लेती हूँ, इसे कभी बहुत थक के मैं कहती हूँ प्लीज थोड़ा सा कर लो, बैन स्क्रीन पे कभी नहीं बताना, कभी जिंदगी में नहीं करेगा। नहीं नहीं उसको पता नहीं चलता, मॉर्निंग में वो नहीं देखता ना, उससे पता नहीं चलता, यूट्यूब पे लग जा। अच्छा भाई क्या क्या करना है? गर्म पानी, थोड़ा गर्म पानी लाए। अच्छा ओके, देखिए ये चीज यहाँ हो रही है, पहले इनके पास तो पूरे वो बने भी होते हैं ना, पूरे स्टेशंस होते हैं प्रोफेशनल, ये इस किस्म से तो हम नहीं करते हैं सलोन में। लेकिन अब इसको पानी तुम कैसे डिप करोगी अपने पाँव को? ऐसे, हाँ भाई थोड़ी देर जो है वो पाँव को डेफिनेटली डिप करना होता है। इसके अंदर सॉल्ट डालो जल्दी से, नमक, वैसे भी आप जैसे मुझे याद है मेरे अब्बू तक थक जाते थे तो हम उन्हें नमक के पानी में बिठा देते हैं। हाँ तो ये पेडिक्योर का सॉल्ट होता है बेसिकली, फुट सोक, फुट सोक। अच्छा ये वो नहीं है नॉर्मल, दिखाओगी? नहीं नहीं डालने से पहले दिखाओ, फुट सोक। अच्छा ये खाने का सॉल्ट नहीं है? नहीं 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 नहीं, पेडिक्योर, फुट सोक, फुट सोक कहलाता है। नहीं तो मैग्नीशियम जो आता है, मैग्नीशियम अगर इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत इफेक्टिव रहता है। मैग्नीशियम मिल जाता है आराम से और वो पैरों के लिए बहुत अच्छा। तो सप्ताह थकन बेटा मेरी उतरेगी। सही बात है, नहीं काम भी होस्ट का बड़ा ज्यादा होता है, खड़े रहना, देखना। अब नेक्स्ट स्टेप मैं जब से चाह रही थी कि मुझे कोई सीट मिले, तुम बैठ जाओ, इसीलिए तुमने हमें खड़ा करा दिया और तुम बैठ गई। किसके केराटिन ट्रीटमेंट हो रहा है? आजा मेरी दोस्त, लीमू मुंह पे लगाने वाली दोस्त। अच्छा लीमू मुंह पे लगाया था, ड्राई स्किन है ऑलरेडी, इतनी ड्राई, आपको तो हनी लगाना चाहिए था। स्क्रैपर करो, आइए मेरी दोस्त बैठिए, तशरीफ रखिए, गिरिएगा नहीं। अच्छा जो इनके कैरेटीन लग रहा है, हाँ खबर है उन्होंने शूट किया, डॉक्टर शहजादी लगा रही है, खबर है कितना अजीब लग रहा है होस्ट। अच्छा सही है, नहीं तुम्हारा थोड़ा सा स्क्रैपर करके उसके बाद स्क्रब करेंगे। दिखाओगी? ये दो, ये प्रोडक्ट ये दो, देखिए ये वो चीजें जो हम सबके घरों में भी होती है, इसके बगैर पेडिक्योर नहीं हो सकता। चलो नहीं पता कुछ भी कर लो ना आप घर में, जितना भी कर ले पर सलोन जाके और मजा आता है। नादिया ओवर टू यू, क्योंकि जो मसाज और यू नो उस सब का होता है ना वो बिल्कुल, एक हॉट स्टोन भी गर्म करो। अच्छा इससे जो है ना सारी जो आपकी जो डेड सेल्स है डेड स्किन है वो निकल जाएगी। देखो 2 सेकंड में निकली है निदा, सो रही हूँ अब तो मैं ऐसा करते हैं कंधों का मसाज भी देना शुरू। अगर एक बार देख लिया इतना मुझे कोई कपड़े नहीं देगा, मेरे कपड़े पहनेंगे तो मैं क्या करूँ, मैं फंस गई हूँ 11th आवर पे, मेरी मॉडल भाग गई। कहेंगे तो मेरे कपड़े पहन के पेडिक्योर करा रही थी कौन, एचएस वाय नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं, माफी माजरत। देखिए आपके कपड़ों पे एक छीटा भी नहीं आएगा, आप फिकर ना करें। पैंट तुम्हारी अपनी है ना? हाँ पैंट मेरी है। हाँ बस रहने दो, फिर कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी ओवर टू यू, ये तो ये हो रहा है, मेरे पैर मांजे जा रहे हैं जैसे आप बर्तन मांजते हैं, लेकिन वहाँ कैरेटीन ट्रीटमेंट हो रहा है देसी तरीके से, जिसमें पपीता मिलाया गया है, जिसमें कौन सा पानी है, अलसी के बीजों का, अलसी को पका के उसके जो जेल सा बन जाता है वो हमने इसमें मिलाया है। हाँ और इसमें फिश ऑयल और स्नेक ऑयल है, स्नेक और फिश ऑयल मिलाया गया। ये ऑयल ही मिलेंगे कहाँ से? आराम से मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, पंसारी के पास भी मिल जाएंगे। और जो है ना बोतल में जरूरी है, कुछ लोग शायद अवॉइड करें, नहीं ना डालें, लेकिन उससे इसमें ऐसी क्या आपके पैरों का कलर भी फेयर करेगा। स्क्रब है जो डेड स्किन है वो निकलेगी, जो आप हशर किया है आप लोगों ने अपने पैरों का वो बिल्कुल सही हो सकता है नादिया के सलोन से। चलो लगाओ। अच्छा और स्क्रब इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आपके पाँव की भी यार स्किन है वो भी डेड हो सकती और है। क्या वो तो ज्यादा डेड होती है। हाँ ज्यादा क्योंकि आप चल रहे हो तो खुले जूते आपने पहने हुए, हमारे पे कितनी डस्ट होती है और मिट्टी, सबसे ज्यादा एक्सपोजर पैरों का ही होता है। हाँ बस ओके,
तो अब दिखा दो पैर में, कोई मतलब अगेन ये सब जल्दी जल्दी के ट्रीटमेंट्स हैं क्योंकि यू नो हम ऑनस्क्रीन हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये होता है इसके अंदर. और निदा के पांव सिंड्रेला जैसे हैं जी, नहीं छोटे छोटे से पतले पतले नहीं छोटे, वो उसकी सिंड्रेला की खास बात छोटे बारीक पतले से पांव है ना, उस टाइप के तुम्हारे. सात नंबर जूता आता है मुझे, ये आठ नंबर. देखिए वो बहुत पतले से बिल्कुल ना प्यारे से. क्या उम्र के साथ साथ पैर पैरों का साइज बढ़ता है क्या? नहीं नहीं यार, मैंने देखा है कुछ लोगों के साइजेस के साथ. मेरा तो खैर पैर उतना ही है जितना पहले था, मगर मेरे बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं. निदा की उम्र तो नहीं हुई ना, तो इसलिए नहीं है ना. अभी भी पांव बढ़ रहे हैं, दूसरा पांव. मतलब वो तो बढ़ने की बात आ रही है, दूसरा पांव. कि लड़कियां जो पहले पतली थी उनका पैर छोटा था, जब वो मोटी हो गई ना उनके पैर बड़े हो गए. हाँ, तो प्रेगनेंसी में हो जाते हैं प्रेगनेंसी में. हाँ अच्छा, वैसे बचपन से लेकर मेरा अभी तक जितना बड़े होने के बाद उतना ही पाँव है ना. हाँ तो इसका मतलब मेरी भी उम्र इतनी बड़ी है. अच्छा ये स्क्रब, ये इतना रिलैक्सिंग है स्क्रब, और ऐसा आपको फील हो रहा है जैसे कोई लेमन कोई चीज़ है ना इसके अंदर. हाँ बिल्कुल, वो लेमन वाली फीलिंग आ रही है कि बहन देखो मैं लेमन यहाँ लगा रही हूँ, तुमने मुँह पे लगा लिया. अब इसका लेमन जो है ना मशहूर हो जाएगा मोहल्ले में, लोगों ने लेमन. डायरेक्ट लेमन मुँह पे लगा सकता है क्या? डायरेक्ट नहीं, नहीं आपने डायरेक्ट लगाया था, पता चले जिस तरह भुट्टे पे मलते हैं भुट्टे पे. आपने किस पे मिक्स किया था लेमन बताएं आपने, आप खाने में डालने को जाके मुंह पे लगा लिया. अच्छा टमाटर और लेमन तो बहुत डेडली होगा, बहुत डेडली. टमाटर के साथ किया था. अच्छा टमाटर वाहिद एक ऐसा मतलब वो फल है जो आप जब स्किन पर तो ज्यादातर वो इरिटेंट होता है. मेरे लिए तो इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ है मुझे टमाटर के साथ कि कोई हद नहीं है. और ये मैं उसे काफी छोटी थी, झाइयां सी हो गई फिर मैं इसके लिए आपको टैटू लगा के दे दियो. दुश्मनी मत करिए. सुनो सुनो निदा जरा, इसके बाद लगा कर चलो. वो कहते हैं टमाटर लगा के चूल्हे के आगे जाए तो आपका वो सनस्क्रीन बन जाता है जो भी है, पर आपको ऑलरेडी इरिटेट हो रही थी स्किन, उसके बाद आप चूल्हे के आगे भी गई हैं तो नेचुरली बात है तो स्किन तो खराब होगी ना आपकी. किचन भी तो संभालना है ना बेटा, कुछ और लगा के संभाल कर लो तुम्हें. क्या करें लेकिन यार? मैं आई नो मैंने भी बहुत जब मैं आई डोंट नो आई वाज लाइक आई थिंक 16-17 साल की थी या क्या था मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने टमाटर मर लिया अपने मुंह पे. ओ माय गॉड इट वाज द वर्स्ट एवर, इतना इरिटेशन और क्या इतनी ऑयल कंट्रोल हो जाता है, वो स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है. बहुत बुरा. ये नेक्स्ट क्या होता है? क्यूटिकल. क्यूटिकल ठीक है, क्यूटिकल्स रिमूव होते हैं. और अब वो बेसिकली क्योंकि ये स्टरलाइजर हमारे पास यहाँ नहीं है तो अभी हम इस तरीके से इसको स्टरलाइज कर रहे हैं. अभी यहाँ के लिए, यहाँ यहाँ जब पेडिक्योर कर रहे होते हैं तो अच्छा जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वैसे तो स्टरलाइज होते, लेकिन अभी यहाँ के लिए क्योंकि वी डोंट हैव द स्टरलाइजर सो और डेटॉल भी नहीं है तो ये एटलीस्ट अल्कोहल सॉप्स के साथ इसको इंस्ट्रूमेंट्स को साफ कर लें. और फिर ये क्यूटिकल ऑयल है तो ये क्यूटिकल ऑयल लगा के और इसके बाद जो है वो क्यूटिकल कट करना और यू नो वो सारी चीज करनी. ठीक है ठीक है. लेकिन हम कट नहीं करते हैं, हम जो ये जो कटर होता है ये वाला ये शेपर इससे करते हैं. अच्छा मैं आप लोगों को डीप डीप तो नहीं होता ना? नहीं नहीं पता है तुम्हें नाजिया, मैं एक सैलॉन में बहुत जब कुछ साल पहले की बात है, मैं एक सैलॉन गई थी, उन्होंने नई बच्ची रखी थी. हाँ. हमेशा हर सैलॉन वालों का काम ही होता है कि जो नई नई लड़की है उनको सबसे पहले पेडिक्योर पे लगा. हाँ. तो उसने मेरा कट पूरा मेरा अंगूठा जो है तेरा पैर का. हाँ. वो पूरा कट पड़ गया था क्योंकि उसको पता ही नहीं था कितनी फोर्स से करना है, उससे स्लिप हुआ और मेरा पूरा अंगूठा कट गया. आप पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो प्लीज ये देख के जाइए कि किस तरह का नाम सैलॉन का है,
किस तरह के स्टाफ वहाँ काम करे, ये बहुत जरूरी है, है ना। अच्छा मेरा भी ये हुआ था कि मैं ये इसलिए पूछ रही थी, उसने इतना डीप उसने किया ना, उस दिन के बाद से मैं खौफ ज्यादा हो गई कि पता नहीं अब ये दोबारा से, तो मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज इसको ध्यान से पूछ कर, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही है तो फिर आप करो। हाँ कि तुम्हारे तो ऑलरेडी साफ सुथरे हुए हैं, लेकिन ये कि ये हल्के तो मैं कराती हूँ यार, पेडीक्योर के लिए मैं तो जरूर ही जाती हूँ यार, क्योंकि मैं घर में नहीं ख्याल रहा है ना आपको, तो अगर क्यूटिकल का तो आपको लग रहा है कि डर लग रहा है करवाते हुए, तो अंजीर को पीस के थोड़ा सिरका मिला लें और वो लगाना शुरू कर दे तो क्यूटिकल्स कभी भी नहीं होंगे। अंजीर को पीस के सिरके में मिला लें, उसको लगा लें और 10-15 मिनट के बाद साफ कर लें तो क्यूटिकल्स कभी होंगे ही नहीं। अच्छा फटी एरियों के लिए क्या करें? जो अभी हमने क्रीम बनाई है वही आप मसाज करें ना, क्या क्रीम थी? अच्छा इसमें जो है हमने क्या क्या डाला था, हमने इसके अंदर वो डाला था टेसू, लेवेंडर, नमक, पीली सरसों, बादाम और ज़ाफ़रान। यानी हाथ और पैरों के लिए एक चीज़? हाथ और पैरों के लिए दोनों के लिए एक चीज़ है। अगर एड़ियाँ बहुत फटी हुई हैं तो उसके लिए पेट्रोलियम जेली आप ले लीजिए, पेट्रोलियम ले लें या वैक्स, वो जो मोम होता है उसको मेल्ट करके बादाम के तेल के साथ। अच्छा। और पहले आपने मसाज किया और उसके जो मोम और बादाम का तेल मिक्स किया है, मेल्ट किया, वो आपने लगा के उसके ऊपर सॉक्स पहन लिया, कपड़ा लपेट लिया है। हाँ। तो जब सुबह आप उठेंगे तो वो बिल्कुल एड़ियाँ जो है वो बिल्कुल सही हो चुकी होंगी। अच्छा। मोम को पिघलाएं, उसमें बादाम का तेल डालें, वो क्रीम सी बन जाएगी, उसको लगाएं, उसके ऊपर या तो प्लास्टिक लपेट उसको रैप कर लें या सॉक्स पहन लें तो वो सुबह तक बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा थोड़ी देर के लिए सॉक्स पहने या ज्यादा, क्योंकि सॉक्स पहन के घबराहट नहीं, जैसे आपने एरी का पोर्शन जो है ना अच्छा उसको वो बस कवर कर लें, ठीक है, जो एरिया जो फटा हुआ उसको कवर करना है, उसको कवर कर लें बस। निदा तुमने शुरू करना है अभी? करूंगी यार, बहुत प्रॉब्लम होती है, बाकी सब सही है, बस एड़ियां जो है ना थोड़ी सी मसले वाली थी। हाँ अच्छा जी, मैं जरा ब्रेक ले रही हूँ ताकि मैं जरा सुकून से पता तो चले कि मैं पेडिक्योर करा रही हूँ। आप ब्रेक पे जाइए और मैं एंजॉय करी हूँ, ब्रेक के बाद आके बताती हूँ कैसे पैर हो गए मेरे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ की, दिखाना ये इन्होंने ना, ये मेरे बफर कहते हैं ना ऐसे, इन्होंने मेरे नाखूनों पे यूं मारा है तो मेरे एक नाखून शाइन करने लगे। हाँ। तो ये बहुत जरूरी है, ये इस इन चीज़ों की वजह से। अरे अल्लाह बहुत आराम आराम किया, तुम्हारा नाखून छोटा है, टूट गया, टक्कर हो गई इस सीढ़ी से तो मेरा टूट गया, उसको भी छोटा कराओ ना। नहीं ना, बराबर बराबर, बहुत छोटे बुरे लगते हैं। नाजिया भी तो खड़ी है, तभी तो बंद जूते पहन रही हूँ। अच्छा तो ये बफर से बड़ा चमकने लगता है। अब आखिरी में मेरा क्या करोगे तुम लोग? मास्क, लास्ट में मास्क। और मास्क से क्या फायदा होगा? अगेन यू नो जो ड्राइनेस होती है उसको कंट्रोल करता है। अच्छा। और उसके बाद जो है फिर डिकलरेशन जो है उसको भी फिर बैलेंस करेगा। हाँ हाँ, पैर भी कहीं से काले कहीं से गोरे कोई हाँ, इस तरह पैची होते हैं। और फिर एंड में जो है आप पता नहीं तुम कराओगी कि नहीं कराओगी हॉट स्टोन मसाज। करा लूंगी क्या होगा वो पहले इनसे ये पूछे कि बालों के साथ करती क्या है? पिद्दे से बाल है, नहीं होगा, हाथ लगाओ देखो जरा नादिया, जान ही नहीं है, चेक करो उफ इतने रूखे बाल पर क्यों, क्या क्या करती? सिर्फ शैम्पू साबुन सिर्फ शैम्पू कंडीशनर नहीं लगाती होगी कुछ भी नहीं, हालत जरा देखो बालों की, बहुत ड्राई बहुत ड्राई हो रहे हैं। इतनी छोटी है ये, मेरे बाल बहुत घने थे सुमन में। इतना बाल था, इतना सिल्की लंबा लंबा बाल। अच्छा और बाल हमेशा जब आप करें तो ऐसे आपके आपके लहराने चाहिए बाल। वैसे जो ये ट्रीटमेंट है ना ये होती है गीले बालों में। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये हमें एक दफा सर वॉश करके उसके बाद ये हमें ट्रीटमेंट करनी है, लेकिन गीले उसका स्प्रे मार दो ना। Well, गीले बालों में करनी तो स्प्रे है, पानी पानी का स्प्रे दो से ज्यादा ही तो सही। हाँ अच्छा, मेरा नेक्स्ट स्टेप है भाई कि मास्क लग रहा है और मास्क लगेगा कुछ देर तक, उसके बाद फिर जब 5 मिनट बाद फिर उसके बाद हॉट स्टोन मसाज होगी। ये लाइक पेडीक्योर कराने जाते तो एक लग्जरी है, मगर अगर आपके पास पैसे तो कराएं, नहीं है तो फिर घर में ही करें, यही बोल सकते हैं। नहीं तो हॉट स्टोन कैसे होगा वो? वो आप करके दिखाएंगे ना? नहीं, गरम गरम पत्थर लगाएंगे। हाँ गरम गरम पत्थर लगाएंगे, वो भी एक लगाने का तरीका होता है भाई। हाँ। ऐसे नहीं हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा भाई वो क्योंकि उसका शावर यहाँ नहीं हो सकता है, जाहिर है उसको हम बाल उसके धो नहीं सकते, वॉश नहीं कर सकते, अभी हम सिर्फ इनको गीले करके इसके अंदर ये लॉरियल की ट्रीटमेंट है एब्सोल्यूट रिपेयर, और इसके अंदर जो है वो जो इस किस्म के जो ख़ास तौर पे बाल होते हैं उनको बिल्कुल डेड जो बाल होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये ट्रीटमेंट होती है। इसके अंदर पहले जो है वो एक ख़ास सिरम होता है लिपिडियम का,
इट्स लाइक अ रिपेयर सीरम, ठीक है, जो आपके बालों के अंदर जो बिल्कुल जो रूखे बाल हैं उनको जो है वो उसमें जान लाता है, ठीक है। तो ये जड़ों तक लगेगा या नहीं? नहीं, ये सिर्फ आपकी एंड्स पे लगेगा, ठीक है। और तो पहले जो है वो हम कैमरामैन ये दिखाएं कि कैसे लगा रही है बालों में ना, कि देखिए ये पूरा पूरा का पूरा इनके लगा दोगी तुम नादिया? हाँ, ये पूरा का पूरा इनके लग जाएगा। हाँ, जब जाहिर जब हम इसका चार्ज एक कॉस्ट होती है, हाँ, तो फिर उसमें जो प्रोडक्ट जो लगता है तो पूरा ही लगता है। अच्छा, आप कुछ आइडिया दे सकते हो कहाँ से कहाँ तक रेंज है इसकी कुटी? आई थिंक इस वाली ट्रीटमेंट की इट्स अराउंड 1800 या 2000 एंड सम ट्रीटमेंट्स गो अप टू अराउंड 6-7000 एज वेल। सॉरी, मेरे मेहमान खड़े हुए, मैं बैठी। नहीं नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है खड़े होने से, आपके जो है ना एनर्जी ज्यादा आती है और हाँ, आपका वजन भी कम होता है। अच्छा, ये देखिए किस तरह लगाया जा रहा है। हाँ, इसको तो ये तुम क्या एम्प्यूल का होगी या एम्प्यूल किसका जो? हाँ, एम्प्यूल ही है ये बेसिकली, यू नो। तो ये पूरा, ये तुम जड़ों के अंदर नहीं लगा रही, ये तुम बालों की जो टिप्स पे लगा रही। हाँ, जो एंड्स हैं, जो डेड जो एंड्स हैं उसके ऊपर ये लग रहा है। और उसके बाद जो है वो इस फिर इसके ऊपर पावर डोज लगेगा, ये एक और इसका यू नो सेकंड स्टेप है, ये पावर डोज की ट्रीटमेंट होगी। और उसके बाद जो है वो इसका एंड में जो है वो पावर डोज का क्या काम होगा? अगेन दैट इज आल्सो फॉर द शाइन, फॉर ब्रिंगिंग द हेयर बैक टू लाइफ, और ब्रेकेज को कंट्रोल करता है, यू नो ये सारी चीजें। दो मुंह जिसे कहते हैं। हाँ, खास तौर पे जो है लॉरियल का एक सीरम है सीरियोक्सिल के नाम से, कि जो आपके बालों की ग्रोथ करता है, ठीक है। इसको जो है वो आपने रेगुलर जो है ना वो आप इसको खरीद भी सकते हैं। आपने रेगुलर जो है वो इसको दिन में दो दफ़ा जो है वो आपने अपने पूरे सर में लगाना है 3 महीने के लिए। और इसकी मतलब एटलीस्ट इसका दावा ये है कि 1700 हेयर्स जो होते हैं ना वो आपके रीग्रो करते हैं। अच्छा, अब अगर आपके पास से कोई ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहा है तब भी वो ये खरीद सकता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये हम लगाएंगे क्योंकि इसके सर में जो है वो थोड़े से गैप्स आ रहे, लेकिन ये बिल्कुल एंड में लगाना है क्योंकि हम वॉश नहीं कर सकते ना। हाँ, वैसे इसको इसी को ही लगाना, मास्क नहीं लगाना, सिर्फ सीरियोक्सिल लगा दो। अच्छा, अगेन क्योंकि हम हेयर वॉश नहीं कर सकते तो हम मास्क नहीं लगा सकते। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली इसका जो लिपिडियम है और जो पावर डोज है सिर्फ उसी का ट्रीटमेंट करके, और क्योंकि ये एक्चुअली गीले बालों में प्रॉपर गीले बालों में होता है, ये नहीं कि सिर्फ स्प्रे करके उसको गीले कर लिया। अच्छा, क्योंकि ये जब हम वॉश, तो लोगों को बता रहे हैं कि ये चीज है जिससे ये हो सकता है। ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस तो तुम्हारे सैलून पे आके ही करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब हम सैलून पे करते हैं तो फिर हम पहले जो है ना, ये इसका शैम्पू है, पहले जो है वो इसके शैम्पू के साथ जो है वो बालों को वॉश करते हैं, उसके बाद जो है फिर ये ट्रीटमेंट्स होती हैं, उसके बाद एंड में मास्क लगता है, फिर वो फिर सेकंड वॉश होता है रिंस। ओके, रिंस करने के बाद उसको जो है फिर हम सिरम लगाते हैं। अच्छा, बेसिकली ये ट्रीटमेंट होती है। ओके ओके। अच्छा, और ये ट्रीटमेंट कितने का है पूरा जो है? अच्छा, जो अंदाजन जो सिरम है वो एप्लीकेशन कैसे हुई? सिरम की एप्लीकेशन वो सिर्फ डायरेक्टली रूट्स के अंदर। अच्छा, क्योंकि वो ये वाला जो आप लगा रही हैं? हाँ, ये सिर्फ रीग्रोथ के लिए है ना ये। हाँ, तो सिर्फ स्कैल्प में लगेगा। स्कैल्प में, मतलब आपके खोपड़े में लगेगा। बिल्कुल ठीक है, ये अब लगा के उसको सिर्फ हल्का हल्का सा मसाज करेंगे, देख लेंगे आप कैसे खरीद के कैसे लगेंगे। वैसे जो ये है ये रिंस ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि रिंस नहीं कर सकते हैं तो अब हम इसको रहने दे रहे हैं। हाँ, लेकिन ये कि इसके बाद इसका मास्क भी लगता है। अच्छा, मास्क भी जड़ से लगेगा या नहीं? सिर्फ एंड्स पे, सिर्फ एंड्स पे लगेगा। ओके, जो शैम्पू है वो जड़ से होगा, ठीक है ना। और तो हम चलिए, अब देखिए आप हॉट स्टोन मसाज कैसा होता है। हॉट स्टोन का जो है ना हमारे पास पूरा एक वार्मर है। अच्छा, तो ये इसके अंदर हॉट स्टोन हैं, ये पूरा जो है ये इसके अंदर स्टोन्स हैं, ये वार्म हो चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये अच्छे खासे लाइक टेम्परेचर कंट्रोल। नॉर्मल स्टोन्स नहीं होते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये कोई खास स्टोन्स होते हैं, पत्थर का समझा। ना ना ना, कहीं से बच्चों से जाओ पत्थर लेकर आओ जाके पत्थर ले आओ। और ये बाकायदा इलेक्ट्रिक से
गर्म होते हैं. यस यस. टेम्परेचर देख लो. हाँ कितना मजा आ रहा होगा. अल्लाह नाजिया मारिया तुम कहाँ चली गई. जलो मारिया गई और उसको तो जलना है अभी. ओए होए होए मजे की चीज है. बेस्ट जो है ना पूरी नसें आपकी थकी हुई होती सब थकन उतर जाती है. ओह माय गॉड कितना जबरदस्त है. इसके अंदर यू नो जो ऑफ कोर्स जो जो तले के जो नीचे होता है ना जो आप इसके नीचे की तरफ करो. हाँ ये जो तले के नीचे जो फिंगर्स के जो नीचे के जो पॉइंट्स होते हैं ना वो खास तौर पे जो है वो इसको स्टोन के साथ प्रेस करते हैं और जो गर्माइश होती है ना फिर वो आपकी नर्व्स को रिलीफ करता है. लेकिन अब जो खवातीन किचन में खड़ी रहती है जो यहाँ का जो पोर्शन होता है जब यहाँ करते हैं तो इससे और ज्यादा कंफर्ट होती है. लेकिन अब तुम करा नहीं सकते. ऑब्वियसली मैं यानी मैं सैलून जाके करवाऊंगी. हाँ ओके okay. इसीलिए तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं ना. जब कहते हैं कि बेचारी ने पूरे पूरे खानदानों की शॉपिंग की है सहरी अफ्तारियाँ बनाना खड़े होके खड़े होके काम करना तो पांव थक जाते हैं. खवातीन ने मॉर्निंग शो किए हैं पूरे रमजान. जिन्होंने रमजान ट्रांसमिशन की है जिन्होंने रमजान ट्रांसमिशन की लोग बैठ के करते मैं अभी भी खड़े होके करती हूं. ये बात तो है. तो और जिन्होंने सैलून रन किया है रश में उनको भी जरूरत नहीं. वाकई बात है. ठीक है अच्छा मैं बैठे बैठे वाइंड अप कर दूं. सही. हाँ 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 मजा आ गया. चलें जी मैं यहाँ इंजॉय कर रही हूँ रिलैक्स हो रही हूँ थकन दूर करा रही हूँ क्योंकि अब सैटरडे संडे वीकेंड आ रहे हैं तो ज़रा रेस्ट करूँगी. जो मेरे सैलून में अभी ऑफकोर्स क्योंकि आखिरी दिन है तो जो डील्स हैं वो सारी डील्स जो हैं वो ऑन है रमज़ान के लिए ईद की तैयारी के लिए. तो आप लोग जो हैं वो फेसबुक पेज पे चेक कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं या ऑफकोर्स सैलून कॉल भी कर सकते हैं यू नो जस्ट टू गेट दी इंफॉर्मेशन. बिल्कुल. थैंक यू सो मच नादिया. थैंक यू सो मच डॉक्टर उम्मे राहील. नादिया और मारिया भाग गई. थैंक यू सो मच आप लोगों का शो देखने का. लेकिन प्लीज खुदा के लिए अपना ख्याल करें. देखे ना मैं ड्यूटी पे हूँ और मैं अपने ख्याल में लग गई. ये बहुत देर से मैं जानी कि अपना ख्याल करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन जब भी आप अपना ख्याल करने लगेंगे आप अपने आप से तो प्यार करेंगे लेकिन लोग भी आपसे प्यार करना शुरू हो जाएंगे जो आपको इग्नोर करते हैं. मैं आपको बता दूँ. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मिलेंगे हम आपसे मंडे को.